नंदन क्या सोच रहे हैं लाला। देखो पहले जब किसी बच्चे का नामकरण करते थे ना, ऐसे नहीं मुंह में जो आए टुल्लू बुल्लू टिक्की टिक्की को रख लो, ऐसे नहीं रखते थे। पहले ज्योतिष को बुलाया करते थे, उसका जन्म नक्षत्र देखते थे, कौन सा नक्षत्र में वो बच्चा जन्म लिया, फिर उसको एक अक्षर निकालते थे, वो अक्षर को पहले रख करके फिर जाकर के बच्चे का नाम लेते थे। देखो ये पूरा प्रॉपर साइंस है, ऋषि मुनियों ने जो जो चीज करके गए ना, ये साइंस ही है। देखना आप लोग शादी से पहले बच्चों का जन्म पत्री मिलाते कि जन्म पत्री क्यों, जन्म पत्री क्यों मिलाते, ये शादी करके जीवन में जैसे जीवन भर एक कठे रहे और आनंद में बच्चे लोग रहे, इसलिए जन्म पत्री मिलाते कि नहीं, ऐसे नहीं शादी करा देते हैं क्योंकि इनका जन्म पत्री मिलता कि नहीं। लेकिन अभी इतना डाइवोर्स नहीं हो रहा है, कारण क्या है यहाँ पर, कारण क्या बोले, कारण है कोई जन्म पत्र देखना नहीं, अपना मन मर्जी प्यार करने ला लव, मैंने पहले बताया ना फास्ट, अभी जगत में फास्ट जो प्रेम होता है आई लव यू फिर आई लीव यू और आई लीव यू, फिर जाकर कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करते, बोले कारण क्या है, कारण यही है हमने ये ऋषि मुनियों का जो नियम है हम उसको उल्लंघन कर रहे हैं, इसको हम उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए शांति सुख नहीं मिल रहा है। जब तक ये शास्त्र का विधि को चलते हुए चलोगे ना देखना, तब तक जीवन में शांति और सुख रहेगी। जब ये शास्त्र का नियम को हमने तोड़ देंगे, अपना मनमानी करोगे, फिर तो दुखी 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 रहोगे, हम दुखी दुखी रहोगे। इसलिए पहले जब नामकरण करते थे, देखो कैसे नाम होता था, बेटा कौन होता है, यदि पिताजी के नाम रखे लास्ट में यही बच्चा पिताजी की मुखाग्नि देता है, श्राद्ध क्या करता है बच्चा, इसलिए बच्चे को बच्चा कौन होता है जो हमारी परंपरा को रक्षा करे। हम कहते हैं ना बेटा ऐसे कोई काम मत करना जिसमें पिता माता का नाम बदनाम हो, अगर बेटा कोई बुरा कर्म करके किसका नाम आता है, ये किसका बेटा है, ये किसका बेटा है, अगर नाम अगर बढ़िया करे बस देखो इसका बेटा नहीं, इतने बढ़िया काम किसका नाम आता है, पिता माता के नाम आता है ना, पिता माता के नाम। देखो पहले कैसे नाम रखते थे, जैसे राम, राम है कैसे, राम का पिताजी का नाम दिया था, बोलो कौन बोलेगा, दशरथ। पहले कैसे नाम होता था, यहाँ राम जो र अक्षर लिया है द स र थ, ये इनकी पिताजी के नाम से र अक्षर लिया है, तो उनको पिताजी का नाम क्या था, आज, इसलिए वहां से आ अक्षर लिया है, फिर हुआ है राम। कृष्ण का देखो, कृष्ण कहते उनको पिताजी का नाम नंद, नंद इसलिए स्ना कृष्ण, स्ना में जो न अक्षर नंद बाबा का नाम से लिया इसलिए कृष्ण, और उसको जो पिताजी का नाम था उनका नाम था बर्जन बाबा, और वहां से लिया र इसलिए क्री में जो री मात्रा है वो र लिया वहां से। पहले जब नाम करते थे उसको पिता और उसको पिता की दोनों नाम को मिला करके एक नाम रखते थे, जैसे कि बेटा हमारे खानदान को पूजा उजागर करे रोशन करे, दुनिया में हमारे नाम को जगाए, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। अब श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं अगर श्री नंद बाबा बेटा का नाम करने करके कैसे नाम करने करके, वो अपना नाम के हिसाब से लेकिन बेटा तो मेरा है, तब उन्होंने गर्गाचार्य को बुलाए क्योंकि गर्गाचार्य त्रिकाल दृष्टा थे, बोले गर्गाचार्य जी आप जरा गोकुल में जाओ और मेरे नाम मेरे बेटा का नाम करने करके आओ, और ऐसे एक नाम रखो जो मेरे नाम को साथ में ये जुड़ा हुआ मेरे नाम को साथ में हो। गर्गाचार्य प्रसन्न हो गए, अहो भाग्य है हम ठाकुर जी के नाम करने करने जा रहे हैं, अभी ठाकुर जी कितने छोटे से हैं, नाम करने करते समय बच्चे को गोद में लेंगे, बच्चा का छोटे छोटे नन्हे नन्हे चरण छोटी छोटी हाथ है, देखना जब आप गोद में बच्चे को लोग उस आनंद लगता है, देखना बच्चा जो छोटा होता ना सब छीन छीन कर लेते हैं सब गोद में, और कृष्ण कौन है परम ब्रह्म है, और जिनको पाने के लिए बोले नखाग्र बंजी ब्रह्मा भी जिनको करोड़ों साल तक तपस्या करते करते बोले कृष्ण दर्शन की बात छोड़ दो
जिनकी चरण की नख की छटा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन आज वो परम ब्रह्म को मैं गोद मिलूंगा। ठाकुर जी ने छोटे छोटे चरण नन्हे नन्हे हाथ से बच्चे जैसे कपड़ा खींचते हैं, ताली पकड़ते हैं, हैं अहो भाग्य है। अभी गंगाचार्य पहुंचे कहाँ पर, श्री नंद बाबा के घर में। नंद बाबा गंगाचार्य को देख कर गई बहुत बड़े संकट है, बोले मेरे अहो भाग्य है आज मेरे घर में संत पधारे। तब श्री नंद बाबा कहते हैं, अरे महा चरणाम नृणाम गृहिणाम दीन चेतसा निस्रसाय भगवत अन्नथा कल्पते क्वचित। बोले आज मेरे घर धन्य हो गया। बोले क्यों, बोले आज घर में संत आए और इनकी चरण धूलि घर में पड़ा है, अब घर में हरी चर्चा हरी कीर्तन होगा। तब नंद बाबा कह रहे हैं, बोले देखो उसी गृहस्थ का घर सार्थक होता है जब घर में कोई भगवान की भक्त आए, उनके चरण धूलि पड़े, घर में हरी कीर्तन हो। जिस घर में हरी कीर्तन हो यदि वो घर नहीं यदि भगवान का धाम बन जाता है, वो बोलो तो वृंदावन बन जाता है। और नंद बाबा कह रहे हैं, जिस घर में संतों का पदार्पण नहीं, जिस घर में साधु संत नहीं जाते हैं, बोले वो घर घर नहीं, वो घर घर नहीं, वह शमशान भूमि है। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो, हमारी जो परमेश्वर गुरुदेव श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने एक अच्छी बात बताया कि कथा को अच्छे तरह से ध्यान देकर सुनो। एक कोई सोनार था जो सोने का काम करता है, तो दो पति पत्नी थे। उसका जो पति था वो बड़ी कंजूसिया, वो कभी सत्कर्म में कोई पैसा को नहीं दिया उन्होंने, और कहीं साधु संग होना वो जाता भी नहीं। बोले क्यों, वो डर से कोई पैसा देना नहीं पड़ जाए, वो वहाँ भी नहीं जाता था, केवल उसने पैसा पैसा को जोड़ते रहा। पति की धीरे धीरे इसके स्वभाव, धीरे धीरे पत्नी के ऊपर भी धीरे धीरे कोई स्वभाव है। अभी पत्नी क्या करती है, पति केवल पैसा कमा करके लाएगा, पत्नी को देगा, पत्नी केवल जोड़ती रहेगी, एक पैसा भी कहीं सत्कर्म में नहीं लगाया। अभी धीरे 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 वो स्वभाव बच्चे को ऊपर आया। जब बच्चे को ऊपर धीरे धीरे स्वभाव आया, बच्चे लोग को सत्संग जाना नहीं, हरी कथा सुनना नहीं, भक्ति नहीं करना, उनका हृदय भी धीरे धीरे शुष्क हो गया। अभी घर में बहुएं आई, शादी हुई, घर में बहू आई, कहते बहुओं को ऊपर कभी वही असर जा करके बहुओं को ऊपर कभी पड़ी। जब बहुओं को ऊपर में ये असर पड़ी, धीरे धीरे बहुओं का जो हृदय है उनका हृदय भी ऐसे हो गया, कहीं सत्संग में जाना नहीं, कथा सुनना नहीं, कहीं पैसा को कहीं देना नहीं, कहीं केवल जोड़ते रहना। अभी धीरे 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 जिनके हृदय बच्चे बहु का हृदय अभी ये सोच रही है बूढ़ा बूढ़ी कम भरे और इनके सारे पैसा हमें मिल जाए। अभी ये बहु बच्चे और पिता को ऊपर पिताजी को कोई आदर नहीं करते, कोई आदर नहीं करते पिता माता को, और बड़ी निगलेक्ट करते हैं। एक दिन ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी बड़े दुखी हुए और उनने बच्चों को बहुओं को बुलाया, बोले देखो बच्चों, हमने जिंदगी में कभी अच्छा खाई नहीं, अच्छे पहना नहीं, केवल तुम लोगों के लिए मैंने पैसा जोड़ा है, इसलिए काफ़ी पैसा मैंने रखा है, लेकिन तुम लोगों का व्यवहार देख करके हमें बड़ा कष्ट लगता है। जिन बच्चों के लिए हमने इतने पैसा रखे और वो वही बच्चे हमें निगलेक्ट करते हैं, खाना पीना ठीक से नहीं देते, आदर नहीं करते। देखो जो बच्चा हमारी ठीक ठीक सेवा करेगा ना, हम उसको ही ज़्यादा पैसा देंगे। अभी बच्चे बहू ने ये बात को सुन करके अपना अकेला चले गए और तीन बेटे थे, तीनों बेटे बैठ करके बिटी किया, बोले देखो ये पिता जिस घर में रह रहे ना वो सारे पैसा इसी घर में, पता नहीं ये अन्यायपूर्वक कौन सा बच्चे को कितना पैसा देखो कोई ठीक नहीं। एक काम करो, ये पिता माता को तीर्थ करने का बहाना से भेज, फिर जब घर से चले जाएंगे फिर घर का ताला तोड़ करके सारे पैसा हम फड़क लेंगे। अभी बच्चे आकर के बोले पिताजी आप कभी जिंदगी में तीर्थ गए नहीं, घूमे नहीं, क्योंकि बड़े कंजूसी थे, केवल पैसा को जोड़ते 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 रहे। बोले अंतिम समय में कि जो नगद दिव्य धाम है, ये नगद दिव्य बताए, बोले जो नगद दिव्य धाम को बताया वहाँ जाने पर जीवन का सारे पाप नष्ट हो जाता है।
सारे पाप नष्ट हो जाती हैं। आपको हम जाने के लिए सब व्यवस्था कर देंगे, आप एक वैष्णवी माता को लेकर के साथ में जाओ, आपके लिए वो रसोई बनाएगी और वो धाम को दर्शन करके आओ। अभी पिता माता सुनकर बड़े खुश हो गए। देखो वो दोनों सोच रहे हैं हमने बच्चे को थोड़ा डांट लगाया ना, तेरा बुद्धि थोड़ा सुधर गई, लेकिन उनको बता दिए बच्चे अंदर अंदर में क्या सोच रहे थे। बोले उन्होंने बोले जब उन्होंने बच्चों से ये बात, उसने बड़े प्रसन्न हो गए, बोले हमारे लिए गाड़ी की जरूरत नहीं, हम चलते चलते चल जाएंगे। मतलब अभी भी पैसा खर्च कराने के लिए नहीं जा रहे हैं, क्यों जिंदगी भर जोड़े जोड़े पैसा को, बोले आपको कोई जरूरत नहीं, हम चलते चलते चले जाएंगे। अभी दोनों उन्होंने वैष्णवियों को लेकर के उन्होंने गए तीर्थ यात्रा। जब नवद्वीप धाम में पहुंचे, इतने में बच्चों ने जो जिस घर में ये सारे पैसा था ताला को तोड़े और पिताजी के सारे पैसा को हड़प गए और तीनों भाइयों ने बात व्यक्त ले ली। अभी उसी गांव से एक व्यक्ति भ्रमण करते करते नवद्वीप में पहुंचा और ये पति पत्नी को देखा, बोले आप तो तीर्थ करने के लिए आ गए, आपका जो बच्चे थे ना आपकी घर तोड़ करके ताला तोड़ करके सारे पैसा को हड़प लिए और आपस में बंटवारा कर दी। अभी सुन करके, क्योंकि जिंदगी केवल पैसा जोड़ते रहे ना, केवल पैसा ही जोड़ते रहे और पैसा में बहुत ही आसक्ति थी पैसा में। अभी तो सुन करके दोना बुढ़ा बुढ़ी रोना शुरू कर दिया। बोले जिन बच्चों के लिए हम इतने कष्ट करके पैसा रखे, बिना पूछे सारे पैसा ले लिया, अभी रोना शुरू कर दिया। लेकिन उनको साथ में जो है वैष्णवी माता जी गई थी, वो थोड़ी ज्ञानी थी। बोले देखो जिंदगी भर तुम लोग ने कंजूसी की, एक पैसा भी कहीं भगवत सेवा में लगाया और कहीं पैसा खर्च नहीं हो जाए, अपने कहीं सत्संग में भी नहीं गया, इसलिए पैसा के अधिष्ठात्री देवता लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण की है। अगर ये लक्ष्मी प्रभु की सेवा में नहीं लगे, कभी जिंदगी में वो पैसा सुख शांति नहीं देते। क्यों? लक्ष्मी तुम्हारी नहीं, लक्ष्मी प्रभु की है। जब तक प्रभु की सेवा में लगेगी तभी ये लक्ष्मी सुख देती, नहीं तो कभी सुख नहीं दे सकती, भले ही करोड़ रुपया तुम कमानी हो। देखो एक काम करो, तुम दोनों यहीं पर रहो, छोटी सी दुकान खोलो और उसको दुकान चलाओ, हैं बुद्धिखाना दुकान चला, जहाँ दाल चावल बिकता है, जो अभी पैसा मिलता है थोड़ी थोड़ी उसको संत सेवा में भगवत सेवा में धीरे धीरे लगाओ। अभी कुछ मेरी बात में फिर इनकी मन बदल गई। बोले देखो जो कुछ होने पर तो बच्चा ही है ना, बच्चे तो है ना, इसलिए हम घर में वापस चलते हैं। वो जो साथ में माता जी थी, बोले देखो अभी तो बच्चे सारे पैसा ले लिया लूट पाट करके, अगर अभी घर में जाओगे ना तो जान से मार डालेंगे बच्चे, घर में अभी वापस मत जाना हो। जिस बच्चों ने तुम्हारे साथ में ऐसे अपव्यवहार असत व्यवहार किया, फिर घर में जाओगे फिर सर्प नहीं लगता है तुमको? फिर उन्होंने सारा जीवन उन्होंने नवद्वीप धाम में रहे, वहाँ पर एक अच्छे संत रहते थे, रोज संतों के पास में कथा सुनने जाया करते थे और भगवान की भजन करते करते अपना जीवन को मुक्ति मार्ग पर चलाया। इसलिए यहाँ पर श्री नंद बाबा स्वयं कहते गर्गाचार्य को, आज मेरे घर में संत आए हैं जिनकी चरण धूलि पड़ा है, घर में कीर्तन होगा हरी चर्चा होगी, आज हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। बोले घर में साधु क्यों आते हैं? क्या आपसे लेने के लिए? बोले लेने के लिए नहीं, हमें देने के लिए आते हैं। हम कितना थोड़ी सी कहीं प्रणाम ही दे देते हैं, लेकिन वो जो वस्तु दे करके जाएंगे वो अनमोल वस्तु दे करके जाएंगे, भगवत प्रेम को भक्ति दे करके जाएंगे, जिससे जीवन में तुम सुखी और शांति दुख रहो। ये नंद बाबा खुद कह रहे हैं। अभी नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले गर्गाचार्य जी जब आप कृपा करके घर में आए हो, अभी तक मेरे लाला को कोई नामकरण नहीं हुआ, आप तेरा नामकरण कर दो। वो खुश हो गए, बोले ले आओ तुम्हारे बेटे को ले आओ। तब उन्होंने कृष्ण बलराम का नामकरण किए, पहले बड़ा बेटा का नामकरण किए। बोले अयमी रोहिणी पुत्र रमया रोहित गुणई, बोले तुम्हारा ये जो बेटा है ना इसका नाम बलराम होगा। बोले क्यों? बोले देखने पे बड़ी हृष्ट पुष्ट बड़ी सुंदर बच्चा है, हैं? इसलिए इसका नाम होगा बलाधिकात बलम विदु, इसका नाम होगा बलराम, क्योंकि बल ज्यादा बल है, राम मतलब सुंदर देखने में,
सब कैसे आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम होगा। और बल मतलब होता है भक्ति की बल, जो जीवों को जो प्रभु की प्रेम की भक्ति की बल प्रदान करेगा। और इसका एक नाम होगा शंकर सैन। बोले क्यों, पहले तो ये देव के गर्भ में आए, फिर जोग माया इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन कर दिया, इसलिए इसका नाम शंकर सन भी होगा। बोले श्री शंकर सन भगवान की, बोले श्री दाऊ भैया की। अभी कृष्ण का नाम करने करके गर्गाचार्य जी ध्यान लगाए तो उनका ध्यान ही लग गए, वो आप ही नहीं बोल रहे थे। बोले क्यों, बोले जिसका एक दो तीन चार नाम हो एक कोई नाम दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में सारे नाम इसका ही नाम है। अभी तो वो चक्कर में पड़ गए, भैया नाम क्या दूं, हैं? इसलिए कि अनंत नाम है। देखा हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक सुंदर भजन भी कहते, तो वो भजन कितने कहते हैं, बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप। इसलिए भगवान एक अनंत नाम है, इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर बड़ी सुंदर सुंदर उन्होंने भगवान की केवल नाम को दे देकर ना बड़ा सुंदर उन्होंने भजन करते हैं। एक भजन है, बोले जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय Yeah.
चिंता में पड़ी गए, इसका नाम हम क्या करें, अनंत नाम नहीं। अभी श्री गर्गाचार्य जी को श्री नंद बाबा हाथ पकड़ के हिलाए, बोले बाबा बताओ तो लाला का नाम क्या है। गर्गाचार्य बोले बोले आसन करनास्त्रय जस्य लाला है ना, ये साधारण नहीं, ये हर युग युग में अवतीर्ण होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते ना, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतान धर्मस्य तदात्मान सुजातम्। तेरे लाला हर युग युग में ये आता है। सत्य युग में शुक्ल वर्ण लेकर के आया था, तृतीया युग में रक्त वर्ण लेकर के आया था, और कलि युग में श्री चैतन्य महाप्रभु बन करके श्री नवद्वीप धाम में ये आएंगे और संपूर्ण दुनिया में हरि कीर्तन करते हुए सारा दुनिया को हरि नाम में डुबाएंगे। देखो ये द्वापर युग में ये गर्गाचार्य स्वयं ये बात को कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में आएंगे और सर्वत्र हरिनाम हरि कीर्तन प्रचार करेंगे। इसलिए दुनिया में थोड़ी बहुत तो आपको जो हरि कीर्तन सुनने को मिलता है, हरिनाम सुनने को मिलता है, तो किसकी कृपा से, चैतन्य महाप्रभु को। जब हम लोग को जो देख रहे हो, देखिए गोपियाँ माला लग रही हैं, हरिनाम माला जप कर रही हैं, हाँ देखो हरिनाम, ये किसकी कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा। ये द्वापर युग में श्री गर्गाचार्य ये बात को स्वयं बताए थे, केवल भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तन, संपूर्ण विश्व में ये हरि कीर्तन प्रचार होगा। और एक दिन काले और गोरे ये दोनों लोग मिलकर के दोनों को हाथ उठा करके बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 अभी वो कौन है, बलिदानी कृष्ण का कृष्ण रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम होगा। मतलब है जितने सारे नामों में जो कृष्ण नाम है सबसे प्यारा नाम है। बोले कृष्ण का मतलब क्या, बोले क्री मतलब होता है आकर्षण करना। हमारा मन बड़ा चंचल है, इधर उधर विषय में भटकता है, आप कृष्ण नाम करना बोले क्री बोलते ही ये चंचल मन को जो खींच ले। देखो क्री कैसे होता है, मेरे तरफ को देखो, क है ना, ये क। अब क्री कैसे नीचे कैसे की मात्रा बताए, बोले कैसे क्यों मात्रा है, कारण बताए। देखना कहीं अगर काई जम जाए ना, वो काई को हम कैसे निकालते हैं, कोई चीज लेकर के लोहे का कुर्सी लेकर उसको निकालते हैं, उसी तरह हमारे हृदय में भी जन्म जन्मांतर का काई जम गई है, ये पाप जम गया है। लेकिन ये पाप निकलेगा कैसे, क्री नाम लेते ही उसका नीचे तक जो मात्रा है ना, जैसे काई चीज को जैसे निकालते हैं ऐसे ही उसका मात्रा कैसे है। अगर क्री नाम ग्रहण करोगे जो चंचल मन है वो एकदम शांत हो जाता है, और स्ना मतलब जो आनंद प्रदान करता है जीवन में हमें, ये आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कृष्ण काले हैं, पर ये काले क्यों है, आप देखना बहुत सारे रंग मिलाओ अलग अलग रंग दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़ा काला रंग मिला दो तो सारे रंग को अपना लेता है, वो सारे रंग को काला रंग अपना लेता है। इसलिए कृष्ण काले हैं, उनका नाम लेते ही कहना भैया चढ़े ना दूसरे रंग, जिसको पर ये काला रंग चढ़ गया देखना उसको पर कोई रंग ही नहीं चढ़ता है, जैसे आप सब लोग काला रंग चढ़ा है, इसलिए आप लोगों ने घर बार सब छोड़ छाड़ करके कहाँ आ गए, आप आकर के भगवान की कथा में आप बैठे हो। इसलिए इनका नाम कृष्ण नाम इसका होगा। बोले नंद बाबा तेरे जो बेटा है ना, इतने नाम इतने रूप इतने गुण हैं, ये हर युग युग में आकर के कभी सत्य युग में कभी सत्य युग में यहाँ पर अकाल पड़ गया, कहीं बारिश नहीं भूखे मर रहे हैं, तेरे बेटा पृथ्वी महाराज रूप में आए और आकर उन्होंने पृथ्वी को शासन किया, और जब पृथ्वी को उन्होंने शासन किया, पृथ्वी कोई अगर बीज बोते हैं ना, वो पृथ्वी सबके सब बीज को अपहरण कर लेते हैं, कोई वृक्ष नहीं होता था। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, इसमें बहुत अच्छी शिक्षा है। इतने में श्री पृथ्वी महाराज ने धनुष उठाया, बोले पृथ्वी
ये जितने बीज बोते हैं ये बीज कहाँ जाती है, वृक्ष क्यों नहीं होती है? देखो पृथ्वी स्वयं कहती है, बोले प्रभु बच्चे अगर कभी दुष्ट हो जाए, नियम है माँ को शासन करनी चाहिए, मैं माँ, ये बच्चे दुष्ट हो गए हैं। उसी समय एक राजा आएगा जिनका नाम था बेंग, वो राजा बड़ा नास्तिक था, बोले खबरदार मेरे देश में कहीं हरि कीर्तन नहीं होनी चाहिए, मेरे देश में हरि नाम नहीं होनी चाहिए, मेरे देश में कोई प्रभु की भजन नहीं कर सकते, अगर करना तो मेरा ही नाम मेरा ही भजन कर। इसलिए पृथ्वी स्वयं कह रही है ये दुष्ट राजा आ गया था, जिस प्रभु ने ये दुनिया को बनाया, ये दुनिया जिस प्रभु की है, अगर उसका भक्ति नहीं करना, पृथ्वी कहती है मैं कोई चीज नहीं देती, तभी मैं दूंगी। आप आए हो, आप ये प्रतिज्ञा करो कि जितने जीवों को भगवान की भजन में लगाओगे फिर तुम्हें दे सकती हूँ। इतने में पृथ्वी महाराज कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ये जितने प्रजाएं हैं इनको हम भगवान की भजन में लगाएं, प्रभु की भक्ति में लगाएं, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। फिर पृथ्वी कहती है ठीक है मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं सब कुछ देने के लिए प्रतिज्ञा करती हूँ, तभी जा करके कोई खेती खेती हुई। इसका तात्पर्य यह है अगर इसी दुनिया में प्रभु की भजन पूजा भक्ति करें ना, देखना कि पृथ्वी भी खूब सत्सद है, क्योंकि पृथ्वी माँ है, कृष्ण पिताजी है, हैं? इसलिए पिता माता बच्चे को तो तब चीज देंगे जब बच्चे को तब भात सुने, जब उनकी सेवा करें तभी तो पिता माता देंगे। हाँ देखो आप लोग तो सब न्यूज देखते हैं, देखना देश देश में ना बड़े तनाव है, एक देश दूसरे देश को धमकी देता है, हम आटा और बम फेंक देंगे, मार डालेंगे, धमकी देते हैं। देखो इधर सुना, बोले तब तक ये आटा और बम नहीं बढ़ेगा जब तक आप भगवान की भजन करेंगे, तब तक ये आटा और बम उधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन को देख करके, बोले हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्तों का विनाश नहीं। कृष्ण कहते अर्जुन कहते कृष्ण तेरे भक्त का विनाश नहीं, तुम प्रतिज्ञा करो ना, तुम मेरे द्वारा क्यों प्रतिज्ञा करवाते हो? कृष्ण ने कहा देखो अर्जुन मैंने बहुत बार मैंने प्रतिज्ञा की, अगर मेरे भक्त कोई प्रतिज्ञा करता है फिर मैं अपना प्रतिज्ञा छोड़कर के भक्त प्रतिज्ञा रक्षा करना पड़ता है, इसलिए अगर तुम मेरे भक्त हो अगर तुम प्रतिज्ञा करोगे तो मैं कभी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो मेरे भक्त का विनाश नहीं है। अगर आटम बम गिरेगा, जैसे आप लोग हरिनाम कर रहे हो ना, आप लोग हरिनाम कर रहे हो फिर उसमें भक्त भी मर जाए, लेकिन कृष्ण गीता में कहते मेरे भक्तों का विनाश नहीं, विनाश नहीं है, जो मेरे भजन पूजा करते हैं। प्रहलाद जब भजन करता था उसको पिता चांद से मारने के लिए कोशिश की, लेकिन पहाड़ का ऊपर से फेंक दिया, ठाकुर जी नीचे पकड़ लेते हैं, उसको अग्नि में जलाने के लिए बैठाया, होलिका की गोद में उसको वरदान मिली थी, अग्नि तेरे को जला नहीं सकती, लेकिन होलिका जल करके राख बन गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, उनको जहर पिलाया, भगवान को देख कर पी लिया तो बन गया, अमृत बन गया, उसको सर्पों के सामने डाल दिया, सर्प ने उनको प्रणाम कर लिया, हाथी को सामने डाल दिया, हाथी उसको प्रणाम कर लिया, बोले क्यों? भगवान की भक्ति करते ही कहते ना जाके राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना पंखा कर सके जो जग जो जग भैया, इसलिए पृथ्वी स्वयं कहती है, इसलिए अगर आटा बम करेगा भक्त लोग मर जाएगी, इसलिए आटा बम अभी लड़ाई भड़ाई नहीं होगी, लेकिन जब ठाकुर जी देखेंगे ये दुष्ट बच्चे खाना पीना दुनिया को सब देता हूँ लेकिन मैं खाता है और पीता है और मेरे भजन भजन नहीं करता है, तो देखना वो जो आटम बम बना कर रखे ना वो गिरी जाएगी, वो पैसे बना कर रखे नहीं वो गिरेगा, लेकिन कब गिरेगा? जब आप भगवान का भजन नहीं करोगे, उनका नाम भक्ति पूजा नहीं करोगे ना, क्योंकि दिमाग देने वाले ठाकुर जी, ठाकुर जी दिमाग देकर बनाया, कृष्ण गीता में कहते हैं बुद्धि ददामि बुद्धि योगम कृतम, बुद्धि देने वाला मैं हूँ, जब वो बुद्धि देखना गिरेगा आटम बम से खत्म कर दो, बोले दुनिया में रह करके तुम्हारी जैसे व्यक्ति का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब भजन नहीं कर रहे हो ये 84 लाख जन्मों के बाद भी ये जीवन मिला, जिस शरीर से तुम भजन करके मेरे पास में आ सकते हो, सब कुछ दे रहा हूँ मैं,
इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, जिनी तनु दही ताही बिसर आई, कई से नमक हरामी, तो मौसम को न कुटिल खलक आई। जिसने तुमको ये मानव शरीर दिया है, हाँ, जिसने तुमको ये मानव शरीर दुनिया सब कुछ दिया, लेकिन उसे ही तुम भूल कर बैठ गया। कहते मौसम को न कुटिल खलक आई, जिनी तनु दही ताही बिसर आई, कई से नमक हरामी। सूरदास जी अपना ये खुद कह रहे हैं, हम नमक हराम क्यों, जिसने सब कुछ दिया उसको यहाँ भूल कर बैठ गए, हैं उसको यहाँ भूल करके बैठ गए। इसलिए क्या करनी चाहिए, भगवान की भजन करनी चाहिए, भगवान की नाम जप करनी चाहिए। सबके सब एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण कृष्ण See you on it.
तेरी मुरली पे हो, तेरी मुरली पे जाऊं मैं।
हाँ दुनिया में क्या बोलना है आपको राधे हरे कृष्ण थोड़ा देखिए कल करना भैया ठीक ही बोलना सभी लोग हाथ उठाकर क्या बोलेंगे सभी लोग एक बार हाथ उठा लीजिए हाथ उठाकर ताली बजा के बोलना क्या है राधे बेटा का नामकरण कर रहे थे अभी मैया यशोदा वहीं पर बैठी हुई थी वो सोच रही थी ये पंडित जी कोई काम की बात नहीं बता रहे बिना काम की बात ही बता जा रहे ये सत्य में ऐसे था अयोध्या ऐसे था द्वापर भैया हमारी काम की तो बात बताओ हाँ देखो बड़ी बूढ़ी माताएं की काम की क्या बात है हर माताएं ये सोचती हैं जल्दी से जल्दी बेटा का बड़ा हो और घर में बहू गव हो जाए घर में बेटा का साथी हो घर में बहू गवाए क्योंकि जब तक घर में बहू नहीं आती है ना तो सारे घर का कामकाज माताओं को करना पड़ता है और घर में जब बहू आ जाए फिर तो माताओं को विश्राम मिलता है पर बैठ बैठ करके फिर घी में चुपड़ी रोटी खाती है इसलिए वो सोच रही थी ये तो अभी तो बुरी उम्र में बेटा हुआ है बोले कब तक ये घर का काम काज में संभालू हाँ बेटा तो जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए घर में तो बहू आए कितना बहू आए कैसे बहू आए ये बात तो थोड़ी सी बताए इतने में श्री गर्गाचार्य जी एक श्लोक को उच्चारण किया लेकिन एक मैया अपना मन मन में एक अर्थ लगा रही है देखो एक अर्थ कैसे दो श्लोक एक श्लोक कैसे दो अर्थ होता है बोले बहुनी सती ना मानी से वो कह रहे थे तेरे बेटा की बहुत सारे नाम रूप गुण हो जाए लेकिन मैया सोच रही थी शायद मेरे बेटा की बहुत सारी भोगे हुई बोले भैया बात भी सही है जब कृष्णा वृंदावन में रहे राधा जी तो है ही है फिर उनकी आठ सखियां ललिता विशाखा चंपक लता ध्रुव विद्या चित्रा सुचित्रा इन्हीं के आठ पटरारी कृष्ण जब रास करते हैं फिर 100 करोड़ रुपया है कृष्ण जब द्वारका में गए उनको 16108 पटरानियां वहां पर है मैया तो बड़ी खुश हो गई बल्कि इनके नाम भी अलग रूप भी अलग हो गई जो कालिंदी थी वो श्यावर का करने की बोले भैया कोई बात नहीं घर में बहू होनी चाहिए है मैया तो बड़ी खुश हो गई उन्होंने बढ़िया दक्षिणा दिया उन्होंने बढ़िया उन्होंने दक्षिणा दिया और लाला को लेकर के गर्गाचार्य के चरण में लेटा दिया बोले लाला को आशीर्वाद दो गर्गाचार्य तो डर गए क्यों उनको पता है कृष्ण कौन है वो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक कृष्ण है वो तो डर गए बोले कहाँ हम श्री प्रेमी को बीच में आ गए हमें
बड़े प्रसन्न होकर के चले गए। अभी कृष्णा जब एक दिन और धीरे धीरे कृष्णा बड़े हुए, एक दिन मैया यशोदा कृष्ण बलराम ये दोनों भैया को बड़ा सुंदर श्रृंगार की, बोले तुम लोग दोनों खेलों में अपना घर की काम कर रहे हो। कृष्ण सोच रहे हैं जब जब हमारे ऊपर में कोई विपत्ति आ पड़ी, मैया हमें गोबर और गो मूत्र से हमें स्नान कराती है। बोले भैया ये गोबर गो मूत्र में है क्या जी, क्यों हमें स्नान कराती है? एक्चुअली कृष्ण बलराम वहाँ पर गैया बंधे हुए गए और जितने गोबर गोमूत्र और जितने वहाँ के कीचड़ था ना सारा शरीर में पोत दी और वहीं पर बैठ गए। मैया ने देखा ये दोनों बालक गए कहाँ, बोले कन्हा बलुआ तुम दोनों कहाँ हो? बोले मैया हम यहाँ है। बोले वहाँ क्या कर रहे हो? देखा पूरा कीचड़ कीचड़ में सने हुई। मैया बोली अभी अभी तुम दोनों को हमें स्नान कराया श्रृंगार की अंतम मिनट में बिगाड़ दी, दोनों को कान तो मैया पकड़ लिए। बोले शिवरे पूर्व जन्म में क्या तुम दोनों स्वर थे? क्योंकि स्वर ये मिट्टी को ऊपर में लौट पड़ स्वर गाते हैं। कृष्णा अपना सर कैसे हिला रहे थे? बोले मैया मैं तो स्वर था लेकिन तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि भगवान सत्य युग में ये बराह अवतार रूप में आए, ये बराह श्री स्वर का अवतार श्री बराह रूप में भगवान ये शिक्षा दी कि जो गोबर और जो गोमूत्र है ना वो साधारण वस्तु नहीं है। अभी साइंटिस्टियों ने रिसर्च करते करते उन्होंने निकाले ऐसे कोई बीमारी नहीं जो गोमूत्र गोबर से सही नहीं होता। और पहले पहले आप लोग तो कुछ कुछ गाँव के होती है, पहले पहले क्या करते घर को कैसे पोतते थे? मिट्टी और गोबर से है ना, मिट्टी और गोबर से घर को पोता लगाते थे, इसलिए घर में किसी तरह का रोग बीमारी नहीं होता था। लेकिन अभी देखो घर घर में बीमारी, सब लोगों में बीमारी है और बच्चे पहले पेट में आते हैं, पहले पेट से बीमारी बढ़ जाती है, बचपन में आँखों में चश्मा लग जाती है। कारण है जो मिट्टी है जो गोबर है ना वो साधारण वस्तु नहीं, कि जब पैर को स्पर्श करता है। हमारा मंदिर में एक बाबा थे जिनका श्वास की रोग हो गई, उनको बहुत सारी दवा दी लेकिन वो सही नहीं हुई। हमारे दुर्गा मंदिर में एक गौशाला है, वो बाबा जब गौशाला में गैया की सेवा की ना अपने वही घर सही हो गई और शरीर इतने सुंदर हो गए तो सोच नहीं सकते। क्योंकि जब उन्होंने गैया की सेवा की, गैया के जो गोबर पुत्र की उसका जो स्मेल है वो अंदर में जाते हैं, अपने आप बीमारी सही हो गई। इसलिए भगवान आज गोमूत्र गोबर की महिमा भगवान दिखाने के लिए उन्होंने ये लीला की है। कृष्ण जब और थोड़ी सी बड़े हुए, एक दिन कृष्णा बलराम सखाओं को साथ में ब्रह्मांड घाट में पहुंचे। कृष्ण सोच रहे हैं प्रजने जो कोई आए सबके सब एक चीज प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। भैया ब्रज धूल में ऐसे क्या चीज है? इसलिए रसखान कहते हैं रमण दे ना जपना पान। बोले ब्रज में आकर के दो काम करना चाहिए। बोले क्या है? बोले एक तो जपना में जाकर के स्नान कर और आचमन करो। बोले दूसरे चीज क्या करो? बोले रमण रति में जाकर के लोग बोल खाओ। रमण रति गए हो? कौन कौन रमण रति गए? देखना वहाँ पर जितने लोग जाते हैं ना सब लोग बोल खाते हैं। बोले क्यों? बोले वहाँ का भूल साधारण भूल नहीं। जब ब्रज में उद्धव जी आए और उन्होंने ब्रजवासियों की महिमा को देखे, उद्धव जैसे कृष्ण को जो सखा, कृष्ण जिसके लिए स्वयं कहते हैं हे उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो मेरे बेटा उतना प्रिय ब्रह्मा भी नहीं, हरिहर एकात्मा शंकर भी नहीं, मेरी अक्कसायिनी लक्ष्मी भी नहीं, मेरे ताऊ भैया जो अभिन्न स्वरूप वो भी नहीं और मेरे आत्मा भी इतना प्रिय नहीं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय हो। लेकिन वो उद्धव जो ब्रज में आए और उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, फिर उन्होंने गोपियों की प्रेम को देखा, जब श्री किशोर जी की प्रेम को देखा, कैसे से राधा रानी एक कमल फूल की सज्जा को पर लेट हुई, राधा जी के शरीर में कर्पूर अंगूर चंदन की लेप की हुई है और इतने में कृष्ण स्वयं एक भ्रमर बैठ करके आए और राधा जी की चरण को पर बैठना चाहते हैं और राधा रानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी। बोले जितने काले सब भूल रहे सत्य जुग में काले आए पावन थे, उन्होंने
बोले हम तीन पद जपनी चाहिए, ब्राह्मण को ज्यादा लोभी नहीं कर होनी चाहिए। लेकिन उसने प्यार इतना बढ़ाया, एक चरण तो भूर भुव मोह जगत तप सत्य लोग को ले गया, दूसरा चरण अतल भीतल कलातल पाताल लोग को ले लिया, बताओ तीसरे चरण कहाँ रखी, और लास्ट में उनको बांध दिया नाग पास बन रहे। तृतीय जन्म में भी एक काला आया, बोले कौन, बोले राम। जंगल में गए, जटाजुट धारण कर चल दिए और हाथ में धनुष बाण कर पत्नी साथ में, सब उल्टा है। जटाजुट ऋषि मुनियों को होता है, फिर बीबी को लेकर के साथ में कोई धनुष बाण लेकर के है। भैया सुपर्णा का क्या दोष थी, कोई दोष नहीं थी। बोले क्यों, सुपर्णा का शादी करना चाहती, बोले स्त्रियों का तो स्वभाव है अगर किसी सुंदर पुरुष को देकर शादी करना चाहती है, तुमने ये सुंदर रूप धारण कर लिया, अगर तू इतना सुंदर नहीं बनता तो सुपर्णा का शादी करना नहीं चाहती थी, दोष किसकी, बोले तेरी दोष है, ठीक है शादी करना बंद करो, लेकिन उनका नाक खाने तुमने क्यों काटा। बोले वही काले मेरे द्वापर युग में कृष्ण बन कर आया कृष्ण रूप में, इसलिए राधा रानी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बात कर रही थी, ऐसे उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी वचन कर बोल रही थी, बोले ये काले का नाम ही नहीं सुननी चाहिए। फिर राधा रानी सबको कोई बोला, बोले अगर वो काला इतना खराब है, लेकिन जब से मैंने आया है तब से तू काले 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 का ही बात बोल रहे हो, पर उनका बात छोड़ो ना, पर दूसरी की बात करो, बोले यही तो बात है, वो काले का हम चाहते कान को बोलते हैं, कान तुम कृष्ण की मीठी मीठी बंसरी बंद सुना करो, लेकिन कान में आवाज आए तो केवल उसकी बंसरी की आवाज आती है। ये जीवा को हम समझाते हैं, जीवा तो कृष्ण कथा छोड़ करके और कोई तो बात बोलो, लेकिन ये जीवा में आए तो केवल उसका ही नाम आती और कोई आती नहीं। हम मन को कहते हैं तो वो काले के बात छोड़ करके और किसका तो बात करने करो, लेकिन वो हमारी करनी ऐसे बैठा हुआ है, उसको हम भूलने चाहने पर भी उसको भूल नहीं पा रहे। ये प्यार को कहते कि जमुना किनारे में मत जाओ जहाँ कुंजों कुंजों में नीला थी, और वो जाएगा प्यार उभर ही जाएगा। मतलब है जब उद्धव जी ये चीज को देखा, देखो जब हम भजन करते हैं ना, हरिनाम करते हैं, माला जप करते हैं, क्या करते हैं, स्नान करके तिलक लगा करके ठाकुर को सामने आसन बिछा करके आचमन करके फिर कोशिश करते हैं थोड़ी समय ठाकुर को याद करें। देखना आँख बंद करते ही कोशिश करते थे ठाकुर को याद करें, लेकिन आँख बंद करते ही पता नहीं मन कहाँ चला जाता है, वो केवल प्रभु को छोड़ करके सारे चीज याद करता है, केवल प्रभु को ही याद नहीं करता। लेकिन गोपियों को देखो, ये कृष्ण को भूलना चाहती है, ये कृष्ण को भूलना चाहती है, लेकिन कृष्ण को भूल नहीं पाती है, यही इनकी भक्ति है। इसलिए उद्धव जैसे व्यक्ति उनकी भक्ति को देख करके बोले उद्धव शुद्ध है गयो, सुनी गोपियों की बोल, ज्ञान बजाय डुबडुबी अब बाजे प्रेम की बोल। इसो उद्धव जैसे व्यक्ति जी राधा जी की चरण की एक भूल को बदना की। ब्रह्मा भी आए ब्रज में, कृष्ण का बछड़ा सखा को उन्होंने भी चुराया, लेकिन जब देखा कृष्ण कौन है, भैया मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की मेरे पिताजी है कृष्णा, है कृष्णा को चरण में ब्रह्मा जी खूब नाक रगड़े, पर लास्ट में ब्रह्मा जी कहते बोले प्रभु ब्रज में तो मेरा कोई जन्म हो ही नहीं सकती है, ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं अगर उनको घर को सामने कोई पत्थर रूप में मेरे जन्म हो जाए, अगर गोपियां मेरे को पत्थर मान करके जन्म रगड़े ना, वहाँ की छोटी जाति ये जीवन में धन्य हो जाएगा। इसलिए ये ब्रह्मा जैसे व्यक्ति ये चीज को प्रार्थना करते हैं। इसलिए कृष्णा सोच रहे हैं ब्रज में जो जो आए ना, वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरण की ब्रज धूल जो मिल जाए। अरे हमारे छोटा माइक बोल रहे हैं, तुम्हारे पास तो आएगा ना।
थोड़ा सा लायक नहीं है। नहीं महाराज जी, फिर तुम क्या प्रचार कर रहे हो? अरे हमारे हमारे छोटा भाई जो चार दिन बैठा है बेटा। एक चीज प्रार्थना करते हैं ब्रज ब्रज एक्चुअली कृष्ण सखाओं को साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंचे और ठाकुर जी थोड़ी सी ब्रज ब्रज को खा ली। इतने में सखाओ ने मना की, कृष्ण माने ही नहीं और मैया से शिकायत कर दी और मैया तो सीधा लठिया लेकर के आ गई और सीधा कृष्ण को कान को पकड़ क्यों रे चोर चुटते घर में मखने की कमी, तुमने आज ये मिट्टी क्यों खाई? कृष्ण तो सफेद झूठ बोल दिए, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग कह रहे हैं, बोले मैया कहा भयो तेरे को पत्तो है? बोले कहा पत्तो है? बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चोरी कर खिलाते और तू कहते तू खा, मैया तेरे को पता मैं चोरी का चीज खाता नहीं। बोले मैया अच्छे तरह से मैं जानती हूँ तू करता है या नहीं करता। बोले अभी मैंने खाया नहीं, सखाओं ने देखा अभी सखा लोग जाकर चुगली करते कि फिर भाई फिर हमें गाली सुनना पड़ेगा और मैं चुगली करने से पहले ये मेरे नाम पर चुगली करती। बोले दाऊ तू सब सच बता, दाऊ कभी झूठ नहीं बोलते। बोले दाऊ बता बेटी खाया कि नहीं? उन्होंने भी गवाह दे दी है। बोले देखा मैंने। बोले भैया दाऊ ऊपर में तो देखने में लगते हैं गोरे ही लेकिन अंदर में बड़े कारे ही और ऊपर में तो मैं कारा कालो काला हूँ लेकिन अंदर में बड़े गोरों हूँ। मतलब क्या है? बलदेव प्रभु आप ब्रज में जाओ, कहीं भी आप बलदेव प्रभु गोरे हैं लेकिन सब जगह देखना काले। बोले क्यों? वो कृष्ण चिंतन करते 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 कृष्ण चिंता में काले हो गए, इसलिए कहते वो अंदर से कृष्ण मेरे को चिंतन करते हैं लेकिन मैं ऊपर में तो काला हूँ अंदर में गोरो हूँ। क्यों? मैं हर समय श्री राधा रानी को मैं चिंता करता करता हूँ। राधा रानी गोरी है, राधा रानी गोरी है, राधा रानी मैया मानने वाले नहीं। कृष्ण ने कहा मिट्टी खाया तो मुंह से ही खाया। बोले हाँ। बोले मेरे मुंह खोल करके देख लो। मैया ने एक धमकी लगाई तो कृष्ण का मुंह खुल गया और इतने छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उसने दिखा दिया। मैया में डर गई। बोले क्या अलाई बलाई में नहीं कर रही हूँ, खुद को खुद अंदर में देखा मैया को। मैया तो आग बंद कर दी, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान ही। अभी कृष्ण डर गए। बोले क्यों? अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, जैसे माँ अपना घर में ठाकुर जी के लिए छोटा सा घर बनाया और ठाकुर जी को स्नान करके थोड़ी मिठाई भोग लगाती है और घंटा हिला करके तुम्हें ही वह माता च पिता तुम्हें ही वह बंधु सखा तुम्हें वह बोल करके फिर दरवाजा बंद कर देती। ऐसे ही भैया मेरे को भी दरवाजा में बंद कर देंगे। पर ये सखाओं को साथ में जो खेलता हूँ खेलूंगा कैसे? खैर जो माया ने देखा गड़बड़ी हो गई, खैर उन्होंने सब कुछ उन्होंने अंदर ध्यान कर दी। हाँ देखो यहाँ प्रश्न होता है, आप लोग बताओ कृष्ण मिट्टी खाए कि नहीं? बताओ कृष्ण मिट्टी खाएगा कि नहीं? खाए ना। लेकिन कृष्ण यहाँ झूठ कैसे बोल दिए मैंने मिट्टी नहीं खाई? सारा दुनिया बोलेंगे क्या ठाकुर जी जब झूठ बोले कोई दोष नहीं और हम कोई झूठ बोल दिए दोष हो जाएगा? कोई ठाकुर के ऊपर में दोष लगाएगा? श्री बल्लभाचार्य कहते बोले नहीं, ठाकुर कभी झूठ बोलते नहीं क्योंकि जब कृष्ण मातृ गर्भ में आए 33 करोड़ देवता स्तुति कर रहे थे
सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य सजोनी सत्य 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 प्रीत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरण प्रपत्ति ये 33 करोड़ का जनता करे भगवान कौन है त्रिसत्य है पहले सत्य थे अभी भी सत्य और बाद में सत्य रहेंगे उनकी भक्ति करने वाले सत्य उनका धाम सत्य सब सत्य सत्य पर झूठ कैसे बोलेंगे इसलिए बल्लभाचार्य उन्होंने दो उदाहरण दिया कृष्ण कैसे झूठ नहीं बोले भले खाना किसको कहते हैं जब हमसे कोई चीज अलग हो तब उसको खाना कहते हैं बोले भैया देखो ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है तो मैंने खाया कब सारा दुनिया तो मेरे में इसलिए ये एक दूसरा अर्थ होता है ये सांस्कृतिक शब्द है जब ये शब्द को हम अलग कर देते हैं वो होता है ना अहम बोला मैं नहीं मिट्टी खाई लेकिन जब शब्द को एक कर दिए बोला हो गया ना हम ये ना हम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड बोले माँ तो मिट्टी की बात क्या करती हो ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को देखो मेरे अंदर से सारा दुनिया तो मेरे ही माँ इसलिए भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं तीसरा कारण बताए बोले माँ तुम ये सोच रही हो ये ब्रज रज को मैंने अकेला खाया नहीं भैया ये ब्रज रज के लिए ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद ये विश्व ब्रह्मांड ब्रज रज के लिए तरसते देख माँ ये ब्रज रज मैंने विश्व ब्रह्मांड को दिया है क्योंकि ये ब्रज रज से ही जीव का कल्याण होता है देखो हम लोगों ने जो तिलक लगाए ना ये तिलक क्या चीज है हम ये तिलक क्यों लगाते हैं इसकी कथा सुन लो बोले एक दिन भगवान कृष्ण को नारद प्रश्न किया बोले प्रभु दुनिया में सब कहते तेरे भक्त भक्त हैं लेकिन ये सबसे बड़े भक्त कौन तेरे कृष्ण बोले समय आने पर बता दूंगा एक दिन कृष्ण जान बुझ करके सर दर्द और बुखार मिला वैद्य को बुलाया वसुदेव महाराज लेकिन रोग सही नहीं हुआ इतने में श्री नारद जी आए बोले प्रभु तेरे नाम लेने पर जी भवसागर से पार हो जाते हैं सारे बीमारी समाप्त हो जाती है लेकिन तुमको ही स्वयं बुखार सर दर्द प्रभु सही कैसे हुई बोले नारद जी एक उपाय बोले बताओ बोले अगर मेरे कोई प्रिय भक्त हो अपना चरण धूलि मेरे को दे दे उसमें मैं स्नान करूँ ना पर मेरे सर दर्द बुखार सही हो जाएगी बोले नारद दुनिया सब कहते तू मेरे सबसे बड़ा भक्त हो बोला चरण धूलि दे दो बोले राम 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 प्रभु आपको चरण धूलि देकर क्या मेरे को नर्ग भेजना चाहते हो बोले ये द्वारका में बड़े बड़े भक्त है महिष यहाँ सात को की उद्धव किसी से भी चरण धूलि लेकर के आओ नारद जी जिनियों को पास में गए थे बोले गाली सुने खाले गाली सुने बोले भगवान के चरण धूलि देकर नर्क भेजना चाहते हो नारद जी घूम घाम करके आ गए बोले क्यों नारद जी कोई चरण धूलि दिए कि नहीं बोले प्रभु सारा दुनिया से बोले गाली मिला कुछ नहीं मिला बोले दुनिया गए बोले हाँ बोले वृंदावन गया था बोले प्रभु के बोले वृंदावन ही नहीं गया बोले जाओ वृंदावन में जाओ वही मेरे असली भक्त रहते हैं जब उद्धव सिंह नारद जी ब्रज में आए जितने ब्रजवासी सब इकट्ठे हो गए बोले नारद जी कहाँ से आ रहे हो बोले द्वारका से अरे हमारे लाला कन्हैया कैसे है बोला उनका सिर दर्द और बुखार है बोले दवा नहीं दिए बोले दवा लेने के लिए आया बोले क्या किस चीज की दवा है बोले कृष्ण बोले मेरे कोई प्रिय भक्त मेरे को चरण धूलि दे दे उसी में अगर मेरे को स्नान कराया जाए उसी से ही मैं सही होगा बोले कोई बोरी बोरी लाया कि नहीं ये जितने ब्रजवासी थे ना वो चरण रगड़ रगड़ करके धूल को निकाल लिया और एक पटली बना करके नारद जी के सर पर रख दिया बोले ले जा कृष्ण का स्नान करा लेना नारद तो देख देख कर हैरान हो रहे थे बोले क्या पागल पागली बन गई हो तुमको पता नहीं ये कृष्ण भगवान है क्या भगवान को चरण धूलि देकर नरक जाना चाहते हो देखो ये ब्रजवासियों का क्या उक्ति है बोले नारद जी अगर कृष्ण सुख के लिए एक जन्म नहीं अगर हमें करोड़ों जन्म के लिए नरक जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं लेकिन कृष्ण का हम दुख कभी नहीं देख सकते इसलिए चरण धूलि ले जाओ और कृष्ण को स्नान कराओ नारद जी ने देखा भैया यही तो असली भक्त है हम तो नरक जाने का डर से भूल नहीं किया ये कहते करोड़ों काल के लिए हम नरक जाना चाहते लेकिन हम कृष्ण का दुख नहीं देख सकते नारद जी
उसी को लेकर के ब्रज से लेकर के द्वारका गए, भगवान को वहां स्नान कराया गया और भगवान की सर दर्द बुखार सही हुआ। हम लोग द्वारका कोई गए हो? कौन कौन द्वारका गए हो? 1 2 3 हाँ, जो लोग गए हैं ना वहां पर एक गोपी तालाब देखे होंगे। ये जो मिट्टी हम लगाया ना, ये रंग का मिट्टी और कहीं नहीं मिलेगा पृथ्वी में, केवल द्वारका से ही ये मिट्टी मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, हैं? इसलिए वहीं से ये पवित्र मिट्टी आती है। भले इसलिए हमारे गौतम दास ठाकुर कहते हैं, अगर कोई रोग से दुख कष्ट से निकलना चाहते हो, सबसे बढ़िया दवा क्या? बोले संतों का चरण धूल। हम संत का चरण धूल लेते हैं ना, और संतों में सबसे बड़े संत कौन? ब्रजवासी। ये ब्रजवासी, इसलिए जब तिलक हम धारण करते हैं, ये ब्रजवासियों का चरण धूल ही है, ब्रजवासियों का चरण धूल ही है। हम भी संसार में बड़े सर दर्द हमारे, हम भी ये जन्म मृत्यु का चक्कर है, हम भी भटक रहे हैं, लेकिन ये समाप्त कब होगा? बोले जब ये चरण धूल लगाएंगे। अब देखो भगवान कृष्ण को देखना, वो जो तिलक लगाते हैं ना, यही चीज। अब भगवान नारायण को देखना, उनको जो तिलक लगा वो देखना, यही मिट्टी है। अब भगवान राम को देखना, वो जो तिलक लगाए, यही चीज है। हनुमान जी को देखना, यही चीज लगाते हैं। कोई भी देवता को देख लेना, वो बगैर तिलक के बगैर भगवान भी पवित्र नहीं होते हैं। जो पुतना आ गई माँ जसोदा कृष्ण को, यही तिलक लगाए। बोले लाला को कोई है, कोई भूत पिशाच कोई डाकिनी साकिनी नहीं आ जाए, तिलक नहीं, ये रक्षा कवच है। हम लोग जो तिलक है एक जगह नहीं, मेरे तरफ जब यहाँ 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 हम 12 जगह पर तिलक लगाते हैं, और ये भगवान के 12 नाम है। माँ जसोदा कृष्ण को इसी मंत्र में तिलक लगाए थे। देखो ये जो तिलक है इसका नाम लला केशवाय है, उदर है नारायण, वक्ष माधव, कंठ है गोविंद, दक्षिण पार से विष्णु, दक्षिण बाहु में मधुसूदन, ये त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, माधव, पद्मनाभ, वसुदेव, ऐसे करके ये 12 तिलक है। ये रक्षा कवच है। ये हमारे गुरु जी कहते थे, जैसे आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी तूफान होगी, बहुत बड़ी एक्सीडेंट है तुम्हारे जीवन में, लेकिन आप तिलक लगा कर भी जाओ नहीं होगा। बोले क्यों? भगवान तुम्हारे शरीर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं। देखो मैं रसिया गया था, रसिया में एक स्थान का नाम पेर, एक माता जी थी उसको डायरेक्ट भूत पिशाच दिखती थी, उसको आँख एकदम लाल लाल बनी रहती थी वो भूत, और उसको पेट में किसी तरह से कोई बच्चा नहीं आता था, कोई बच्चा है बन जाए। जब मैं रसिया प्रचार करने के लिए गया, उसने मेरे कोई बात बताई, बोले बाबा ऐसे ऐसे बात है, हमारी गर्भ में बच्चा भी नहीं टिकता है, बड़ा दुखी हाल है। तो मैंने ये तिलक की बात बताई, एक तिलक लगाना, और हम एक दो मंत्र बताए कैसे शुद्ध होते हो, कैसे गंगे से जमुने चाहिए बता मेरी सरस्वती, तीर्थों को कैसे आवाहन करना, ये पानी कैसे सर पर छिड़कना, और कैसे तिलक को स्थापन करना, बोले ये काम करो। उसने जिस दिन से सुर की उसी दिन से खत्म हो गया। मैं जब दूसरे साल में गया, उसका एक सुंदर बेटा हुआ था, उसका नाम मैंने राधाकांत नाम रख करके, राधाकांत मैंने नाम रख करके आया। वो बच्चा अभी 7-8 साल का, ये बच्चा हो गया है। देखो ये तिलक की कितने महिमा ये तिलक की, इसलिए आप लोगों की जरूर ये तिलक धारण करना। देखो कोई कोई कहते हैं दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है, तिलक लगाओ गले में कट्टी पहनो भजन कर दुनिया को दिखाने का क्या जरूरत है। कोई कोई बोलते हैं तिलक तिलक, देखो जैसे आप लोग स्त्रियां हैं, हमें कैसे पता चलना है आप सद्वास थे, सिंदूर लगाए, मांग भरे, नाक में वेसर पहने, संता मंगल सूत्र, कुछ चिन्ह है जिससे पता चल जाता है ये सद्वासी है ना। बोले भैया पति तुम्हारी कब हुई है? शादी से पहले पति से तेरे कोई मतलब बताते हैं, बीच में झगड़ा में डाइवोर्स हो गया तो एक दिन तो मरना ही है, फिर तो दुनिया से पति जाएगा। भैया जब दो दिन की पति के लिए तुमने इतने श्रृंगार भर लिया, तब जो असली पति तुम्हारी जन्म जन्मांतर का जो पति है उसके लिए क्या करते हो? उसके लिए भी हमें कुछ करनी चाहिए, हैं? उसके लिए क्या करनी चाहिए? उसके लिए 3 चीज, जैसे पति तुम्हारी एकदम तुम विधवा के रूप धारण कर लो, सारे श्रृंगार उतार लो और सफेद साड़ी पहन कर विधवा बन कर पति को सांते जाओ, बताओ तुम्हारी पति तुम्हें स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा स्वीकार? बोले मैं जीता रहता मैंने तुमने मार डाली,
भागीदारी यहां से, वो जब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता है पर भगवान तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी। इसलिए शास्त्र में बताया कि आत्मा की श्रृंगार यकीन कंठी माला और तिलक, जब ये धारणा करते हुए हम ठाकुर को सामने जाए ना, तुमको पलने का जरूरत नहीं, तू मेरा और मैं तेरा, ठाकुर जी अपनी आप स्वीकार करते थे। बोले क्यों, तुमने कंठी तिलक माला धारण की, और भले ही ये कंठी तिलक माला नहीं, जितने ठाकुर को मेरे 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 कहते हो, ठाकुर तुम्हारे तरफ में एक बार देखे भी नहीं। बोले तेरे साथ हमारे कोई मतलब नहीं, क्या चिन्ह है तुम्हारे अंदर में, तो भगवान की भक्ति करते हो। इसलिए संत लोग पागल नहीं थे, वो कंठी माला हनुमान जी पागल नहीं, इतना बड़ा तिलक लगा रहे थे, वो पागल नहीं हनुमान जी, इसलिए बिना इतने पागल नहीं थी, गले में कंठी तिलक माला लेकर घूमती थी, दुनिया उसकी नाम कर रहे हैं। इसलिए हमारी अंदर में ये माला तिलक कंठी हमारी होनी चाहिए है। इसलिए आज भगवान कृष्ण ये ब्रज रज की महिमा को दिखाने के लिए ठाकुर जी स्वयं उन्होंने ये बेटी को बनाया। ठीक है, प्रसिद्ध वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री लाल। देखो आज हमारे बीच में कुछ भक्त लोग गए, इधर आ जा, कुछ कुछ भक्त लोग कुछ कथा सुना दें, फटफट तुम भी सुनाना और बीबी भी आएगी, आज इधर फटाफट जल्दी आ जा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो इसलिए हम इस बच्चे को द्वारा आपको कथा सुनाते हैं, जानते हो अब ये बच्चे को क्यों बुलाते हैं, हम चाहते हैं तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बने, तुम्हारी बच्चे भी ऐसे बने और तुम अपना बच्चे को, लेकिन हम लोग बहुत बड़ा स्वप्न देखते हैं, जानते हो क्या स्वप्न देखते हैं, कहते हम तो बच्चों को बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बॉलीवुड में हीरो और हीरोइन बनाएंगे। आप 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका नाम जगत में कोई ले रहा है, बताओ कोई हीरो का नाम कोई ले रहा है, अभी दुनिया में कोई नहीं ले रही। लेकिन देखो हनुमान जी को देखो, तुलसीदास जी को देखो, और वीरादास नाम देखो हैं, श्री ध्रुव प्रहलाद का नाम सत्य युग में अभी भी उनका नाम जगत में अमर हो गया। बोले भैया अगर हीरो हीरोइन बनना चाहते हो ना, बनना चाहते हो, क्या करो, अपना बच्चों को भगवान की भक्त बनाओ, भक्त बनाओगे ना, हाँ तुम्हारी 21वीं पीढ़ी तुम्हारी उधार हो जाएगी, 21वीं पीढ़ी तुम्हारी उधार हो जाएगी, और जब तक ये दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारे बच्चे को तुमको याद करते रहेंगे। जबकि हीरो बन दो, किस चीज के हीरो बनो, भगवान की भक्त बन कर के हीरो बनो, जिस नाम दुनिया में अमर और अजर हो जाएगा। देखो ये लोग, ये बच्चे लोग ऐसे भी कोई काम नहीं कर रहे, कल बता रहा था ना, ये जो बच्चा इनकम टैक्स का वो ऑफिसर बनने के लिए उन्होंने अभी अभी लाख का एग्जाम दिया, अभी इसका नौकरी लगाए कहीं यहीं पर, कहीं उसके नौकरी लगाए, और उस तरफ में एक बच्चा बैठा हुआ वो कंप्यूटर इंजीनियर, लाख रुपया इसकी तनख्वाह है। ये लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं और अपना भजन भी करते हैं, काम भी करते हैं, है ना, ये सारे काम करते हैं, और इसको साथ साथ में भगवान की भक्ति और भगवान की कथा भी बोलते हैं। हम भी चाहते हैं माइक, हम भी चाहते हैं आप भी अपना बच्चों को क्या करो, भगवान के भजन में लगाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ। देखो अगर बेटे को भगवान की भक्ति में लगाओगे ना, वो 100% ये पिता माता की सेवा करेगा, कभी भी पिता माता को अनादर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, क्यों, उसके अंदर में संस्कार पड़ी है। सबसे पहला कर्तव्य समय उठ करके पिता माता की जन्म, क्यों संस्कार पड़ा है ना, पिता माता की पहले पिता माता की जन्म दो, पहले गुरुजन की जन्म छो, पिता माता की सेवा करो, ये संस्कार बच्चों के ऊपर पड़ता, क्यों, वो भगवान की भक्ति करता है। अगर आप बच्चों के ऊपर कोई संस्कार नहीं दोगे ना, फिर वो बच्चा आपकी सेवा नहीं करेगा, फिर वो बच्चा तुम्हारी सेवा नहीं करेगा। देखो फिर ध्यान देकर सुनो, आपको एक सही घटना सुनाता हूँ, ये नई लगती शायद पेपर में आया था, सुने होंगे पेपर में आया होगा, देखे होंगे, ध्यान देकर सुनो। ये नोएडा में एक व्यक्ति था, उसको बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने उसका दो बेटे थे, उसने दो बेटे को अमेरिका में भेजा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वो बच्चे बहुत लिखाई पढ़ाई किया, लेकिन वो अमेरिका बचपन से रहे, उसकी संस्कार उसको पर पड़े। अमेरिका में नियम है 15-16 साल बच्चे हो जाए कोई पिता माता बच्चे को घर में नहीं रखते, बोले घर में जाओ निकलो अपना शादी करो अपना दुकान बनाना बना कर, उनका नियम यही है। और उनकी देश में
पिता माता जो बड़े होते, जब पिता माता बूढ़े हो जाते हैं ना, उनको ओल्ड हाउस में डाल देते हैं, ओल्ड हाउस में। अभी उनके अंदर वही संस्कार पड़ी। एक दिन दोनों बच्चे नोएडा में आए, पिताजी माता उसी समय का पिता माता बहुत तो प्रॉपर्ट थी लेकिन थोड़ा कम लिखते पड़े थे। तब उन्होंने बोले, पिता माता जी हम अमेरिका में सेटल हो गए, आप दोनों यहाँ क्या करोगे, अमेरिका में चलो वहीं पर हमारे काम करेगा। पिता माता खुश हो गए, बच्चे अच्छे हैं। तो उन्होंने सारी करोड़ रुपया की संपत्ति उन्होंने भेजवा दी, भेजवा करके पिता माता को ले गए अमेरिका ले जाने के लिए। एयरपोर्ट में बाहर खड़े कर दिए, बोले ट्रॉली लेकर के आ रहे, खड़े हो। अभी 10 मिनट हो गया बेटा आया, आधा घंटा हो गया बच्चे आए थे, 1 घंटा हो गया बच्चे आए थे, 2 घंटा हो गया बच्चे आए थे, 4 घंटा हो गया बच्चे आए। फिर उन्होंने पता लगाया दोनों बच्चे सारे पैसा लेकर के अमेरिका भाग गए और पिता माता को यहीं पर मेन रोड में छोड़ कर गए। हाँ ध्यान देकर सुना, हम बच्चे को कहते तो पढ़ 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 और उसको पैसा कमाने का मशीन उसको बना देते हैं, लेकिन कभी नहीं बोलते बेटा तुम्हारा गीता भी पढ़, एक माला भी जप कर, थोड़ी रामायण भी पढ़। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी के पास में, देखो हमारे बड़े गुरु जी जो थे, इनके पास में एक व्यक्ति आया, बोले गुरु जी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं। पहले तो अगर थोड़ी कभी सुन लेते तो नहीं सुनते थे, लेकिन जब से शादी हुआ पता नहीं बहू ने क्या साल में मंत्र किया, तब से तो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। देखो ध्यान देखते सुना, हमारे गुरु जी ने उत्तर क्या दिया, बोले आप रामायण पढ़ते हो, बच्चे को रामायण पढ़ने के लिए बताते हो, बोले नहीं, बोले अगर तू रामायण नहीं पढ़ोगे, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाओगे, गीता नहीं पढ़ाओगे, तुमको यही दंड मिलनी चाहिए। अगर ये रामायण पढ़ते, भगवान सवेरे उठ करके पहले पिता माता के चरण छूते हैं। रामायण आप रामायण देखे होंगे, जब भगवान रामचंद्र दशरथ महाराज के चरण की सेवा करते हैं, जो पिताजी लेके हुए होते हैं जाकर के चरण की सेवा करते हैं। आप देखना पहले पहले समय के सब जितने सब पिता माता के चरण की सेवा करते हैं। अभी कोई बच्चा तुम्हारी सेवा करता है, बात सुनता है, सारा दुनिया में हम जाते हैं, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बोले सुनेंगे कैसे, उसमें तो स्मार्टफोन तुमने पकड़वा दिया 20-50 हज़ार की, जिससे उसका जीवन बिगड़ सकता है, लेकिन तुमने बताया नहीं बच्चों को, तब कभी माला जम कर बेटा, कभी गीता भी पढ़ रामायण पढ़ो, बताया कभी हमारे गुरु ये बात बता रहे थे, बोले इसलिए तुमको ये दंड मिलनी चाहिए। इसलिए बच्चों को स्वयं पिता माता पहले गुरु पिता माता है, पहले संस्कार पिता माता से पड़ेगा। बोले हरिनाम करते हो माला करते हो, बोले नहीं, बोले संस्कार कहाँ से पड़ेगी, अगर आप भी हरिनाम करते गीता पढ़ते रामायण पढ़ते बच्चे तुमको देख कर थोड़ा सीखते, इसलिए किसम दंड, इसलिए आपसे प्रार्थना है स्वयं माला जप करे, स्वयं तिलक धारण करो, स्वयं गले में तुलसी कटनी पहनो, स्वयं गीता रामायण पढ़ो, ऐसे नहीं दिन भर टीवी खोल करके उल्टा पुल्टा पिक्चर देख करो, बच्चे को वही संस्कार पड़ेंगे। पर विशेष करके बॉलीवुड में हम क्या देखते हैं, सिनेमा में क्या देखते हो, पति पत्नी में लड़ाई हो गई, पत्नी बोले तू जा और मैं जा रहा हूँ, दोनों चले गए। अभी बच्चे देख कर क्या सीखेंगे, वही तो सीखेंगे, थोड़ी सी झगड़ा हुआ तू जा और मैं जा रहा हूँ। हमारा दुनिया बॉलीवुड में यही सिनेमा में देख यही चीज सिखाया जा रहा है, पर बच्चों से संस्कार कहाँ से बढ़ेगी। इसलिए अगर हम संस्कार बनाना चाहते हैं, अपना जीवन को अपना घर को भगवान के धाम बनाना चाहते हो, क्या करो, गीता रामायण भागवत पढ़ो, बच्चों को भी बोलो बेटा एक माला जप करो, ठीक है ना, बोलोगे बच्चों को घर में ये नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, जब तक तुम एक माला नहीं करोगे, देखो अगर बच्चों को शासन करके स्कूल भेज सकते हैं, अगर बच्चे को शासन करके हम स्कूल भेज सकते बेटा स्कूल जा, क्या हम बच्चों को नहीं बोल सकते बेटा तो एक बार 5-10 मिनट लगेगा एक माला जप करके जा, क्या इतने बच्चों को नहीं बोल सकते, बोल सकते कि नहीं बताओ, बोल सकते कि नहीं, बोल सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें करना पड़ेगा, खुद करते कि नहीं, खुद तो करते नहीं, पर बच्चे कहाँ से सीखेंगे, वो बच्चा कभी नहीं कर सकता है, अगर आप करोगे फिर बेटा भी आपको तो देख करके बेटा भी करेगा, ठीक है। इसलिए हम ये बच्चों को बुलवाते हैं, हम चाहते हैं आप लोग का अंदर में संस्कार बढ़े, लोग बताओ। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधैमपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वृन्दाय तुलसीदेव्यै याय केशवस्य च कृष्णभक्त्यै तुती देवी सत्यवते नमो नमः। हरि बोल भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा कृष्ण की भक्ति कृपा करना से मानव जीवन का उत्कृष्ट और समुत्कृष्ट फल सत्संग आज हम लोगों को इस दिव्य कथा के श्रवण के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले अपने पूज्य पाद परमानंद परम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अशोकदश भक्तिविदान स्वामी श्री नायक गोस्वामी महाराज के चरणारविंदों में प्रणिपात अर्पण करता हूँ। उसके बाद व्यास मंच पर अपनी शोभा अपने दिव्य मुखांगुज से प्रस्तुत हुए दिव्य कथा के सरस रस को प्रवाहित करके और हमारे कर्म कुटुंब ने उस कथा रस को प्रवेश करा के हृदय में कृष्ण प्रेम की दिव्य पुष्पावली को खिलाते हुए ऐसे श्री महाराज जी के सामने अपने गुरुदेव के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ तथा यहाँ पर समस्त उपस्थित समस्त वैष्णव और वैष्णवियाँ जो श्री महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके अपने जीवन को धन्य कर रही हैं। भागवत जी की सरस रस कथा समस्त पाप संताप और शाप को कलुष कलेश किलमिश और कलुषता को हरण करने वाली दिव्य कथा का जो आप लोग आस्वादन कर रहे हैं आप सभी के चरणारविंदों में कोटि कोटि धन्यवाद अर्पण करता हूँ। देखो भैया हमारा परम सौभाग्य है आज हम लोग श्री महाराज जी के सामने पुनः द्वितीय दिवस जो मेरा द्वितीय दिवस है आज हम लोग यहाँ पर महाराज जी के सानिध्य में बैठ कर के श्री महाराज जी के दिव्य वचनों का पान कर रहे हैं और कल्याण के मार्ग की ओर प्रशस्तता की ओर हम लोग प्रशस्त हो रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। हम लोग महाराज जी ने अभी तिलक और कंठी की बड़ी सुंदर महिमा बताई है मैं आप लोगों को थोड़ी सी तिलक और कंठी की महिमा बता देता हूँ। देखो हमारे जो तुलसी है जो हम लोग कंठ में धारण करते हैं तुलसी देखो आप लोग इसको अवश्य धारण कीजिए क्योंकि ये कल्याणकारी है। रास पंचाध्याय में स्वयं गोपियां कह रही है ये बात कच्चित तुलसी कल्याण गोविंद चरण प्रिय सहित पालय कुलई विभ्रद दृष्ट न प्रिय चुता हे तुलसी कल्याण जो कल्याण करता है वे है श्री तुलसी। आप लोगों को तुलसी की महिमा महाराज जी बता भी चुके हैं। देखो इसको बड़े हल्के में मत लो ये हम लोगों के जीवन में बड़े ही सर्वोच्च जो हमारे जीवन के सर्वोच्च जो मैटर्स हैं जो हमारे जीवन के जो आगे बढ़ने के प्रशस्त मार्ग हैं उन पे बड़े ही सब तरीके से हम लोगों को प्रशस्तता की ओर ले जाएगी। तुलसी साधारण नहीं है जिसके कंठ में तुलसी होती है ना यत कंठ जिसके कंठ में तुलसी नहीं होती उसके शास्त्र कहता है श्री पद्म पुराण कहती है जिसके कंठ में तुलसी नहीं होती वे मूढ़ मनुष्य है। यत कंठे तुलसी नास्ति तेन राह मूढ़ मानसा श्रोति विष्टाम समम चन्नम और जलम च मदिरा समम जिसके कंठ में तुलसी नहीं है ना उसके द्वारा चुआ हुआ अन्न स्वान विष्टा के समान है और चुआ हुआ जल जो है वो वेस्ट है वो अपवित्र है। हमारा बड़ा देखो कभी कभार क्या एक बार अभी मैं मेट्रो से ट्रेवल करके आ रहा था तो एक आर्टिकल पढ़ रहा था तो उस आर्टिकल के नीचे वीडियो थी तो उस वीडियो में लोग लिखा हुआ आया था कि अरे ये जो कथावाचक जो होते हैं ये जो महाराज जी सब लोग कथावाचक होते हैं जो भगवान की कथा करते हैं अरे ये खुद की शुगर खुद का बीपी सही नहीं कर सकते तो हमारा कल्याण करेंगे।
भैया ये बड़े सोच विचारने की बात है, ऐसे प्रश्न उठते हैं, लेकिन आप लोग इसको बड़े ही ध्यान से सुनिए। महापुरुष जो होते हैं, संत और सद्गुरु जो होते हैं, यह बात नहीं है हमारे नेत्रों की दोष है, इनको हम लोग देख रहे हैं कि इनकी ये सब पीड़ा है, लेकिन वास्तव में ये सब पीड़ा नहीं है, ये केवल जनों को उपदेश देने के लिए ये सब किया जाता है, इनको वास्तव में अंदर से कोई पीड़ा नहीं होती है। देखो एक बहुत बड़ी बात है, ये लोग दिखाते हैं कि इसी जन्म में हमारे प्रारब्ध कट जावे, जिससे अगला जन्म हम लोगों को ना आना पड़े, अगला जन्म हमारा श्री भगवान के दिव्य धाम में ही हो। आप लोगों को एक बड़ी सुंदर घटना सुनाता हूँ, हमारे गौड़िया वैष्णव की अड़िंग एक गाँव है अड़िंग, जब हम लोग मथुरा से आगरा के मथुरा से श्री गोवर्धन की तरफ जाते हैं तो एक गांव आता है अड़िंग, वहां पे हमारे गौड़िया संप्रदाय के एक परम वैष्णव रहते थे, तो गौड़िया संप्रदाय के वैष्णव वहां पर विराजते, तो क्या हुआ उनके गले में बड़ा जोर का कंठमाल हो गया, वे निश्चिंत निरंतर श्री हरिनाम का जाप करते थे, निरंतर उनके कंठ में बड़ा जोर का जो कंठमाल होता है वो थोड़े हो जाते हैं, गले में यहाँ तक पूरे वो सब हो गया, ये सच्ची घटना है। तो क्या हुआ फिर भी निरंतर हरिनाम में लगे रहते, तो उनके शिष्यों को यह सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, पास में सरोवर था उसके किनारे पर बैठ करके रोने लग गए। शिष्य बड़े ही तेज बड़े ही बल गुरु के चरणारविंदों में पूर्ण श्रद्धा गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित, अब वे विचार करने लगे रोने लगे कि हमारे गुरु जी को ये पीड़ा हो रही है, हमसे हमारे नेत्रों से यह देखी नहीं जा रही है, वे रो रहे थे श्री भगवान। तो उसी समय सामने क्या हुआ, दो छोटे छोटे बालक गैयाओं को चराते हुए वहां से निकले, वे और तो कोई नहीं थे स्वयं श्री कृष्ण बलराम थे, वे वहां से रुके और बोले अरे भैया क्या बात हुई तुझे, तो बोला कि ऐसे ऐसे यह बात हो गई और क्या कहते हैं मेरे गुरुदेव के कंठ में कंठमाल हो गया और बहुत पीड़ा में है, फिर भी वे निरंतर श्री हरिनाम का जाप कर रहे हैं और हमसे यह पीड़ा देखी नहीं जा रही। भगवान बोले अरे तुझे नहीं पता तेरा गुरु बहुत हटी है, उन्होंने आज तक गिरिराज बाबा से यह प्रार्थना करी नहीं कि मेरा कंठमाल ठीक कर दो, अब कहां थे गिरिराज बाबा कंठमाल ठीक करेंगे। तो उसने कहा प्रभु आप कुछ कीजिए मैं क्या करूं। उन्होंने क्या किया, जो पास की घास उग रही थी लूकड़ी जिसे वहां की भाषा में कहते हैं उसको उतारी, उसको खींची और श्री कृष्ण ने उसके हाथ में करी, बोले ले जाकर के बाबा के गले पे लगाई दियो और जैसे तू लगाएगा तो बहुत सूक्ष्म समय में बहुत सही हो जाएगी। वो गए, वो जाकर के क्या किया, वो घिस करके उसको और वो लूकड़ी जो है वो बाबा की कंठ में लगा दी, सुबह तक देखा तो बिल्कुल ठीक कंठमाल था ही नहीं, बाबा ने देखा कि कंठमाल कैसे ये खत्म कैसे होगा, उसने शिष्य को बुलाया बोले यार क्या लगाया था तूने कल ऐसा, बोले वो एक दो छोरे थे उन्होंने कुछ लुकड़ी दी थी तो वो मैंने लगाया। वे क्रोधित हो गए बोले अरे मूर्ख ये मेरे पुराने जन्म का प्रारब्ध था जो बस केवल 10 दिन और शेष रह गया था, अब मुझे इसको प्रारब्ध को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना पड़ेगा, ये तूने क्या किया मेरी नजरों के सामने से निकल जा तू, दर्शन न देना अपना। उसने पैर पकड़ लिए गुरुदेव ये क्या कह रहे हैं आप मेरे को अपनी सेवा से दूर मत कीजिए, बोले मैं मर जाऊंगा, बोले तो मरे चाहे जिए मेरी नजरों के सामने से निकल जा। अब वो दोबारे उसी जगह पे पहुंचा, उसी जगह पे पहुंचने के बाद उसने फिर श्री कृष्ण बलराम आए, उसने कहा अब क्या हुआ, उसने कहा बाबा नाराज हो गए अब मैं क्या करूं, बोले मैंने तो पहले ही कहा था तेरा जो बाबा है वो बड़ो हटी है भैया, तो एक काम कर तू अब क्या चाहता है, बोले जैसे बाबा की स्थिति थी वैसे ही हो जाए, बस वे नाराज ना हो मैं उनकी सेवा निरंतर करता रहूं, बस ऐसी कुछ कृपा करो। उसने दोबारे वो श्री भगवान ने दोबारे वो लुकड़ी उठाई और उधर उनको दे दी, जा करके जैसे ही महाराज जी के सामने गया महाराज जी का अरे तू फिर आ गया, तेरे को मैंने कहा था ना मेरे नेत्रों के सामने से चला जा तो फिर से कैसे आ गया, उसने कहा ये ऐसी ऐसी बात है ये आप फिर लगाओगे तो आपको फिर होगा, बोले ठीक है तो फिर लगाए थे, और लगा करके उन्होंने जैसे ही कंठ में लगाया तुरंत वो भीषण रोग फिर
कहने का तात्पर्य यह है, महापुरुष की लीलाओं में, संत सदगुरु की लीलाओं में कभी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि संदेह किया, हम अपने भाग्य को ही दुष्कृत कर रहे हैं संदेह करके। आप लोग महाराज जी के सरस वचनों, ये बड़े ही शुद्ध तरीके से बोलते हैं कि एक एक शब्द ऐसा बोले कि व्यक्ति तक पहुंच जाए। फिर भी मैं अभी देख रहा था कि बहुत लोग प्रवचन में बात कर रहे थे, भैया बात मत करो बीच में, आप लोग बोलो नहीं जब महाराज जी बोल रहे हैं। अरे इनके वचन अनमोल है, एक बार ध्यान से सुन करके तो देखो, आप लोग अब बात नहीं करोगे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो भैया हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोगों ने श्री महाराज जी से हरिनाम लिया है। हमारी इस संप्रदाय में, मनमान्य गौड़ेश्वर वैष्णव संप्रदाय में हमारा आगमन हुआ है। एक संत की पद्यावली है, जे अब के हरिनाम न लेते, जे अब के हरिनाम न लेते, यम के दूत बड़े हैं जालिम, यम के दूत बड़े हैं जालिम, ढकेल नरक में देते, जे अब के हरी नाम न लेते। अब की बार हमारा जीवन ऐसा धन्य है कि अब की बार हम लोगों ने हरी नाम ले लिया संत सद्गुरु से, इसलिए अब डरने की आवश्यकता नहीं, उसको शुद्ध तरीके से करो। विषयन भूमे बकी बकी मैते, जन्म अनर्थक जाता, विषयन भूमे बकी बकी मैते, अनर्थक जाता, भरम भरम चौरासी फिरते, भरम भरम चौरासी फिरते, कुशल भई कुशलाता, जे अब के हरिनाम न लेते। हमारा सौभाग्य है कि इस बार हम लोगों ने इस जन्म में हरिनाम लिया, उसको श्रद्धा से की भैया, बड़े ही मन से उस हरिनाम को कीजिए। आप ये जो पद लिखे हुए हैं, ये साधारण संतों के पद नहीं है, जीवन के बाहर हस्य हैं, जो प्रकृति जो मनुष्य के जीवन में यदि एक बार उतर जावे तो उसका इस जन्म में कल्याण संभव हो जाता है। हमारा दासत्व है, हमारी गौड़िया परंपरा दासत्व सिखाती है कि हम भगवान के दासों के दास हैं। कल मैंने आपको यह बता ही दिया था भैया, एक बार जो भगवान के दास बन जाते हैं ना, वो स्वयं के स्वामी, स्वयं की इंद्रियों के स्वामी और तो और सारे विश्व के स्वामी बन जाते हैं, जो स्वयं श्री भगवान के दासों के दास बन जाते हैं। ये भगवान और तो और सबसे बड़ी बात कहूं तो स्वयं श्री भगवान दास बन जाते हैं, जो श्री भगवान के भक्तों के दास बन जाते हैं। भगवान की वाणी है, अरे मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, सेवा करूँ मैं सेवा हूँ भगतन को दास। हाँ कुबेल कबूतर वालों, अर्जुन को रथ हाँक, यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास। तुलसी की महिमा बता चुका हूँ, तिलक की महिमा बता लेता हूँ। ये तिलक साधारण नहीं है जो हम लोग लगाते हैं, इसकी विशिष्टता तो श्री महाराज जी ने बता दी, लेकिन जिसके मस्तक पर उर्दकुंड होता है, उर्दकुंड धरो नास्ति, उर्दकुंड को जो धारण करता है उसकी मृत्यु के समय यमराज भी उसके समक्ष आने से डरता है। उर्दकुंड जो हम लोग सुशोभित करते हैं, जो तिलक धारण करते हैं, तुलसी स्नान काल में स्नान करते हैं तो तुलसी के जैसे ही हम लोग अपने ऊपर जल डालते हैं तो वो जो जल है वो तुलसी को छूता हुआ जब पूरे शरीर पर पड़ता है, तो पूरे भारतवर्ष में जितनी
पवित्र नदी है उसमें स्नान का फल प्राप्त होगा। स्नान काले तो यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्व तीर्थेषु स्नानं भवति तेन संशयः सब ते बड़े तिलक अरुमाला सब ते बड़े तिलक अरुमाला सदा सहाय रहे गोपाला सदा सहाय रहे गोपाला दूब साटी जो संत हिमाल दूब साटी जो संत हिमाल बाबू चक्र सुदर्शन जारे सब ते बड़ी तिलक अनुमाला। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करता हुआ श्री महाराज जी के पूज्य पाद श्री महाराज जी के पद कमलों में प्रणाम करता हुआ यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव विद्युत वरिष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ वाणी को अभिनंदन विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे। देखो पहले मैं करती और किधर धारण करूँगी सर। हाँ जिसकी इच्छा होगी हम कंठ धारण करना चाहते कथा के बाद में आप कंठ दे सकते हैं लेकिन इसके दुनिया में मांस मछली का खानी नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति पहन सकते हैं जो प्याज जरूरी नहीं खाते इसके लिए प्याज में छोड़ना पड़ेगा और प्याज छोड़ दोगे तो फिर घर में तुलसी व्यक्ति अभी कथा के बाद में जिसकी इच्छा होगी हम लोग वैसे करके ले लेना पेंट ठीक है। ओम विष्णु पादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण हृदय नमो विष्णु पादाय श्री कृष्ण कृष्णाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासव शिवभक्तवृंद प्रभासि हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण छठा दिवस श्रीमद् भागवतम का आप सब लोग बड़े भाव से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसी भी क्रिया को करने के पीछे एक विशेष प्रयोजन होता है। एक व्यक्ति जाकर के अपना व्यापार भी करता है तो उसका प्रयोजन है कि मैं जाकर के धन कमाऊँ। अगर उसका धन कमाना प्रयोजन नहीं है तो उसके व्यापार का कोई लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से हम अपना घर छोड़ करके 3 घंटे 4 घंटे यहाँ पर आकर के बैठे हैं उसके पीछे कारण क्या है। ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमें हमारे घर में प्राप्त नहीं होती जिसको प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं। भगवत जी के प्रथम स्कंध में इसको स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये भागवत वेदी क्या है क्योंकि जब तक यह ना पता हो कि ग्रंथ का महत्व क्या है तब तक यह समझ नहीं आएगा कि ये हमें जो है कौन सी ऐसी वस्तु प्रदान कर सकती है। सूत गोस्वामी जी से शौंकालिकों ने कहा भूल भी भूल करवाई स्वतः प्यारी महावश्यक भागवत को चुप करा दिया सारम मनीषिया और रूही भद्रयात्मा संप्रसिद्ध शब्द के अंदर इस पूरी की पूरी भागवत का सार बता ये भागवत वेदी क्या है। शौंकालिकों ने प्रार्थना की कि आप कौन हैं आप भद्र हैं भद्र माने आप सारे लोगों का कल्याण करना चाहते हैं साधु का स्वभाव होता है। महाराज जी यहाँ पर रहते हैं तो आपसे किसी धन की कामना जन की कामना ऐसी कोई लोग नहीं है उनको ये
जब भी आप यहाँ पर आकर के बैठें तो जोर दिए बैठते हैं अपनी सबसे प्रिय इंद्रिय को दान कर दें। और वो इंद्रिय क्या है? आपके कान। जब तक कानों का दान नहीं किया तो श्रीमद् भागवत कथा में बैठने का लाभ नहीं हुआ। यहाँ पर आकर के अगर कोई वस्तु दान दे सकते हैं तो सबसे पहले अपने कानों का दान दीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ही यह भगवत कथा जो है औषधि के स्वरूप में हमारे रोगी हृदय को, जिसको काम क्रोध दो मुंह का रोग लग गया है, हम सब रोगी हैं। अगर रोगी ना होते तो संसार में ना होते। यहाँ पर किसी का काम ज्यादा बड़ा हुआ है, किसी का क्रोध ज्यादा बड़ा हुआ है, किसी के जीवन में अनेक प्रकार के व्यवधान प्रस्तुत हो रहे हैं। ना चाहते हुए भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, उसका हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो जब हम सब जगह से परास्त हो जाते हैं तब हमें कोई कहता है, देखो तुम्हारे जीवन में समस्या इसीलिए ही आती है क्योंकि तुम इस भौतिक शरीर में हो। जब तक इस शरीर में हो समस्याएं बनी रहेंगी। मन से बनी हुई समस्याएं हैं, खाने के लिए 100 वर्ष का सामान है, बढ़िया घर भी है, सब कुछ भी है, लेकिन फिर भी बिना बात के टेंशन है। सब कुछ ठीक चल रहा है तो देवताओं ने कष्ट दे दिया भीषण गर्मी करके, भीषण सर्दी करके, और यह सब कुछ भी ठीक हो गया तो किसी व्यक्ति ने आकर के हमें कटु वचन बोल दिया, हमारा मन परेशान हो गया। तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा कि यह सब क्यों हो रहा है। कोई भी व्यक्ति चाह करके भी दुखों को नहीं चाहता, लेकिन उसके जीवन में दुखों की उपस्थिति अपने आप हो जाती है। और ये दुख ये जो हो रहा है उसका कारण क्या है? भगवान गीता में कहते हैं आत्मे आत्मा नाम बंधु और आत्मे आत्मा नाम मित्र। जीव तुम अपने स्वयं के शत्रु हो और तुम अपने स्वयं के ही मित्र हो। और अगर इस बात को समझें कि हमने इस भौतिक जगत में आने का निर्णय लिया था, आज हम जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में हमने आने का निर्णय लिया था, और हम निर्णय ले सकते हैं कि पुनः हम भगवत धाम जाएं। श्री भगवान इस बात को आश्वस्त करते हुए कह रहे हैं, देखो यद्यपि वर्तन्ते तदधाम परमं मम, कि देखो अगर तुम मेरा भजन करोगे, देवताओं को भजोगे तो देवताओं के पास जाओगे, भूतों मानव जीवों को भजोगे तो इनके पास जाओगे, और मुझे भजोगे तो मेरे पास आओगे। फिर इनका भजन करने से क्या होगा? पुनः पुनः संस्कृति ना निवर्तन्ते, संस्कृति का निवारण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह सब कौन है? भौतिक धारणा से अभिभूत है। इनका बार बार जन्म होता है, इनकी बार बार मृत्यु होती है, तो इसी में ही चलता रहे ऐसा आदमी। तो भागवत जी कह रही, देखो भागवत देगी क्या? उसको फिर से बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोला, आप हमें ऐसी वस्तु बताइए जिससे हमारा शरीर ना प्रसन्न हो, क्योंकि शरीर की प्रसन्नता के लिए तो हमारे पास बहुत भोग है। उससे हमारा मन प्रसन्न ना हो, क्योंकि मन की प्रसन्नता के लिए तो हमने मनोरंजन के लिए बहुत से साधन हमने लगा दिए हैं। जाकर के टीवी देख लीजिए मनोरंजन हो जाएगा, शॉपिंग मॉल घुमाइए मनोरंजन हो जाएगा, शादी ब्याह में नाच कीजिए मनोरंजन हो जाएगा, क्योंकि भगवत कथा मनोरंजन का स्थान नहीं है, यह मनोमंथन का स्थान है। मंथन करने पर जिस प्रकार से समुद्र से अमृत की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार से जब भगवत कथा के माध्यम से हृदय का मंथन होगा तो उसके मंथन से श्री कृष्ण रूपी चंद्र सदृश हमारे सामने प्रकट होगा। भगवत कथा का प्रभाव है, यहाँ पर आए और श्री कृष्ण की अनुभूति नहीं हुई तो ये बात मान लीजिए कि भगवत कथा सुनने में हमें कोई दोष हो गया। अगर हम यहाँ पर आकर के भी खाली चले गए, बोले कहाँ से आ रहे हैं, बोले भागवत से आ रहे हैं, बोले क्या ला रहे हैं, बोले सुंदर कचौड़ी प्रसाद में मिली, बोले यह प्रसाद तो 2-4 मिनट रहेगा, लेकिन भगवत वाणी जो प्रसाद है, जो उनका वाणी वैभव है, वही हमारे साथ रहेगा, तो इसलिए बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए। तो बोले क्या देती है? बोले ब्रूही भद्रिया तन्मा ये नादमाश्रम प्रसिद्धि। ऐसी एक बात बताइए जिससे हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए। हम सब लोग हर क्षण क्या चाह रहे हैं? सुख चाह रहे हैं। वेद कहता है सुखम में भूयात दुखम में मांगू। सुख के अलावा हम लोग कुछ चाह ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर किस लिए आए? हमें थोड़ी देर के लिए संसार की परेशानियों से निवृत्ति मिल जाए। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर बैठ करके भगवत चरणारविंद के निकट बैठे हैं तो हमारे हृदय में जो ताप पाप जो क्लेश जो है, ये अनेक प्रकार की कामनाएं जो नर्तक कर रही है, ये पिशाची रूपी माया ने जो हमारा पूर्ण रूप से हमें ग्रास कर रखा है, थोड़ी देर के लिए ये माया हमारा पीछा छोड़ दे। और भगवत कथा का एक प्रभाव है कि इसके निकट बैठेंगे तो उसी समय ही तत्क्षण आदमी सुखदेव गोस्वामी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, रोगी ने अगर आज सही सही रूप से औषधि ली है तो उस औषधि का फर्क इसी समय से होना शुरू हो जाएगा।
रिधि तक्षणात् बोला, ये नहीं कि आज आपने औषधि ली है तो कल जाकर के फर्क पड़ेगा। और भागवत जीव का हृदय प्रसन्न कैसे होगा, हमारी आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? समय शेष है, 5-7 मिनट में कहकर के शेष करूंगा। श्री व्यास जी ने अनेक अनेक शास्त्रों को बनाया, आपको सुना, वेद इत्यादि बनाए, एक ऋग्वेद से 4 ऋग उन्होंने वेद आगे बना दिए, 18 पुराण इत्यादि बना दिए, और सब पुराणों को पढ़ने की एक विधि बना दी, 18 अध्याय बना दी, कि आपको छंद पता होना चाहिए, निरूपण पता होना चाहिए, निरुक्त पता होना चाहिए। ये 18 प्रकार की विद्याओं का सही सही से पढ़ने के पश्चात मनुष्य यह निर्णय करेगा कि मेरे मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या है, उसका पालन नहीं। इस अल्प आयु के अंदर प्रायण अल्पायुना बंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उद्भुता, एक ऐसी आयु जिसमें निश्चितता नहीं है। सत्युग में 1,00,000 वर्ष की आयु निश्चित है, मरोगे नहीं पहले। त्रेता आया तो आपकी 10,000 वर्ष की आयु निश्चित है, पहले नहीं मर सकते। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु निश्चित है, लेकिन कली में जो 100 वर्ष की आयु में बोल रही उसकी कोई निश्चितता नहीं। गर्भ में है, आपने आए लोग क्या खाते हैं, गर्भाधारण बोली मार दिया आपने, ऋषि हत्या का पाप लगेगा। तृतीय स्कंध के अंदर कपिल देव ने गर्भ में जो जीव होता है उसको ऋषि कहकर भी संबोधित किया है, क्योंकि गर्भ के अंदर उसको अपने पिछले 100 जन्मों का ज्ञान होता है। गर्भ में हत्या और यही ही सारे के सारे भूकंप ताप जितने भी नेचुरल कैटास्ट्रोफीज हो रही है, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं हमारे भारतवर्ष में विश्व में आ रही है, इसका मूल कारण 2 है। एक तो गर्भ में स्त्रियां जो बच्चों को मार रही हैं, और दूसरा जो गाय कट रही है, यह 2 मूल है। तो आप लोग इस पाप से बचिए और दूसरों को भी बचाइए। तो ये गर्भ धारण की बात की, बोला वेद व्यास जी ने बहुत कुछ बना दिया, लेकिन ऐसे कलिकाल के अंदर जहां पर ये निश्चित ही नहीं हो रहा है मेरे को क्या करना है। शास्त्र समुद्र के समान है, समुद्र के समान शास्त्र है। 4 वेदों के पश्चात महाभारत बनाई तो उसकी संख्या भी 1,00,000 श्लोक कर दी, कौन पढ़े 1,00,000 श्लोक। उसमें से 700 श्लोक का सार निकाल करके गीता दे दिया, लेकिन वहां पर भी वेद व्यास की संतुष्टि नहीं हुई, तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का निर्माण किया है। क्योंकि निगम कल्प करो दलितम फल, ये वेद का पका हुआ फल है। हम सब जीवन में एक ही वस्तु चाहते हैं, पशु से लेकर के चींटी से लेकर के ब्रह्मा से लेकर के सब एक चीज चाहते हैं, और वह एक ऐसा संबंध मिल जाए जिसमें हम पूर्ण रूप से उसकी सेवा कर सके, एक ऐसा प्रेमास्पद मिल जाए, एक ऐसा जन मिल जाए हमें जिसको प्राप्त करने के पश्चात और किसी लाभ की प्राप्ति ना हो, और श्री भगवान के अतिरिक्त श्री गोविंद के अतिरिक्त और कोई नहीं, हरि के अतिरिक्त श्री गोविंद के अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई प्रेमास्पद नहीं है। यह आप भागवत से लेकर के जाए, भागवत से यह लेकर के जाए कि श्री गोविंद ही मेरे हैं, वही ही मेरे हैं। अन्य जितने भी संबंध मेरे को मिले हैं वो तात्कालिक हैं, लेकिन नित्य नहीं है। तो भागवत जी आत्मा प्रसन्नता की बात कर रही है, तो वो आत्मा प्रसन्न कैसे होगी? उसकी प्रसन्नता के विषय में दशम स्कंध पूरा गा दिया। तो दशम स्कंध में कैसे हम श्री कृष्ण को प्राप्त करें, इसकी विधि आप लोग सुन रहे हैं। तुलसी इत्यादि धारण करना है, एकादशी का पालन करना है, तिलक धारण करना है, नाम करना है, ये सब विधियां हैं। और सबका प्रयोजन क्या है कि जैसे इस समय हमारा मन स्वाभाविक रूप से संसार में अनुरक्त है, संसार में अपने माता पिता बंधुओं का चिंतन करने के लिए माला हाथ में नहीं लेनी पड़ती, लेकिन शिव भगवान का चिंतन करने के लिए माला हाथ में लेनी पड़ती है। यही ही बता रहा है कि हम शिव भगवान से कितने दूर हो गए। यही एक विचार कि भगवत नाम लेना हमें लेना है, स्वाभाविक रूप से हमारी भगवान में अनुरक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रही है। लेकिन आप ब्रजांगनाओं की परिस्थिति देखिए, ब्रजगोपियों की परिस्थिति देखिए, युगल गीत में गोपांगना कह रही है, गोप्य कृष्णम वनम यादे तम अनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो नन्दु दुःखेन वासरान। बोले हे गोपांगनाओं, यह गोविंद जब वेणुनाद करते हैं, जब वंशीनाद करते हैं, हमारा मन इनके प्रति ऐसे आकर्षित होता है जैसे किसी चुंबक के प्रति लोहा आकर्षित होता है। हम भी चाहते हैं हे गोविंद, हमारा मन भी आप इसी तरीके से आकर्षित कीजिए। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हैं, ये हरे शब्द क्या है? हे हरे मद चित्त आकर्षण इति हरे, आप मेरे मन का आकर्षण कीजिए, मैं आपको अपना मन देने में समर्थ नहीं हूं।
मेरे मन में सब घुसता है। तो साईं जी ने अपने पत्र में लिखा है, विनय पत्रिका में, विनय पत्रिका में कह रहे हैं कि मैं राम को मन देना तो चाहता हूं लेकिन कैसे दूं, क्योंकि मेरे मन में ये छह रिपु आकर के बैठ गए। संसार का स्नेह पाश मेरे को हो गया है, मैं चाहता तो हूं अपना मन दे दूं लेकिन मैं मन दे नहीं पाता। तो क्या करो? बोले हे ठाकुर, प्रजे प्रसिद्ध ही नवनीत चौरम, गोपांग नाथ पूर्ण चौरम, अनंत जन्मादि पाप चौरम, चोर अभिनन्य पुरुषम नमामि। हे ठाकुर, सारे के सारे शास्त्र आपको चोर कह करके संबोधित करते हैं। विश्व का पहला चोर है जिसको आप लोग आश्रम में बिठाते हैं, बाकी सारे चोर जेल में लिया। पहला ही चोर है जिसको आश्रम में बिठा करके आरती कर रहे हो, बाकी सारे चोर कहाँ है? जेल में बैठे हुए हैं। देखो ठाकुर सब कर सकता है, आपके अनंत जन्म के पाप को भी निवृत्त कर सकता है, आपके कलमशों को भी निवृत्त कर सकता है, आपको भगवत भक्ति भी प्रदान कर सकता है। एक काम नहीं कर सकता, कौन बताएगा? एक ऐसा काम जो श्री कृष्ण नहीं कर सकते। हमारे प्रशासन ने कहा है कि सब कर लेगा लेकिन एक काम नहीं कर सकता। बोले क्या? बोले ठाकुर सीधा नहीं खड़ा हो सकता। भैया कैसे खड़ा है? आगे कभी देखे सीधा खड़ा होगा? सब कर लेगा लेकिन सीधा नहीं खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि सीधी वस्तु हृदय से निकलने की संभावना है और टेढ़ी वस्तु अगर हृदय में चली गई तो पुनः बाहर नहीं निकलेगी। ऐसे ही कृष्ण लीला बड़ी टेढ़ी है, इसके भक्त भी बड़े टेढ़े हैं, लेकिन ये एक बार अगर प्रवेश कर गई, ये ऐसा सर्प है जिसने एक बार काट लिया ना तो सारा जीवन इसका जहर सर पर चला रहेगा। पूतना कहती रही छोड़ छोड़ छोड़, मुंच मुंच प्रतिभाषी। ठाकुर ने कहा हुआ, मैंने पकड़ा सीखा है, छोड़ना नहीं सीखा। किसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और एक बार मैं किसी को पकड़ लू ना तो भैया मैं फिर किसी को छोड़ता नहीं हूँ। तो आप अगर ठाकुर को अगर पकड़ना चाहते हैं तो उसका सबसे सरल साधन कह दिया। क्या बोल दिया? कि महामंत्र जो बोला, इस महामंत्र में हरे का शब्द है, हे हरे मत चित्त आकर्षण इति हरे। सारे संसार को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वेणु नाद करते हैं तो निकटता निकटता चित्त निवास। सारे के सारे जितने पशु हैं उनके मुख में जो दंत कृष्ण कवल रहा तृप्त मौना, उन्हें जो उनके मुख में खास होती है वही की वही रह जाती है। आपने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। व्योम यान परिता से सिद्धा, आपने उन स्वर्गाधिक अप्सराओं को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आपने नदियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ये ठाकुर सबको कर लिया, कौन रह गया? केवल मैं रह गया। तभी सूरदास जी कहते हैं तुम मोरी लाखो लाखो लाज। आप सबको आकर्षित कर गए, मेरे को कैसे भूल गए? तब सूरदास जी ने अपने शब्दों में कहते कि तुम मोरी राखो लाज हरी, मेरी इस लाज को आप रखो क्योंकि तुम जानो सब अंतर्यामी करनी कछु ना करी। आपको सब जानते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं किया, इस संसार की सारी ऊर्जा को मैंने केवल भोग में लगा दिया। अब ये शरीर मेरा जा रहा है, प्राण प्रयाण कमुवात पित्ति, अब मेरा कफ मेरा वात मेरा पित्त मेरे कंठ में आ गया है, मध्य समय में आपका नाम ले पाऊंगा इसकी कोई आशंका नहीं दिख रही। मेरे को इस भीषण संसार से अगर आप बचा सकते हैं ना तो आप मेरे जीवन में एक शुद्ध भक्त के रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि शुद्ध भक्त में और श्री ठाकुर में कोई वो नहीं है। और ऐसी ही शुद्ध परंपरा में, ऐसी ही गौड़ी वैष्णव परंपरा में शुद्ध नाम शुद्ध भागवत और शुद्ध कीर्तन के रूप में श्री महाराज जी यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री महाराज जी का जीवन मैं बार बार कहता हूँ और डांट भी पड़ती है लेकिन मुझे बोलने में कोई संदेह नहीं है कि घर घर गाँव गाँव जाकर के केवल एक कार्य है, उठोरे उठोरे भाई आलता समय ना आए। समय नहीं है, हम यहाँ से बाहर जाएंगे पुनः कल सातवें दिन आएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन हम निश्चिंत बैठे हैं कि हम आएंगे, यही माया। उठोरे उठोरे भाई आरता समय ना आए, बोलो कृष्ण भजो उच्च स्वरे, श्री गोविंद का नाम उच्च स्वर में पुकारो। आज जब भी कीर्तन होगा ना, निवेदन ये है कुछ देना चाहते हो ना, आज एक भी कंठ और एक भी हाथ हरे कृष्ण महामंत्र जब गाएंगे कीर्तन गाएंगे खाली ना रह जाए, क्योंकि पुनः ये श्वास आए किसकी कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। वो आपसे निवेदन है, अब यहाँ पर आए तो भागवत जी से क्या लेकर के जाए? भागवत जी से ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में शुद्ध भक्त आए, हम एक शुद्ध संप्रदाय में आकर के शुद्ध दीक्षा लें, दीक्षा लेने के पश्चात नाम करें कीर्तन करें भागवत का पुनः पुनः पाठ करें,
यही इसकी मूल संपत्ति है। और आप देखना थोड़े ही समय के अंदर शोक मोह भय अपहा ये भागवत जी कह रही है मैं थोड़ी ही देर के अंदर क्या करूंगी आपके जीवन के सारे श्लोकों को अपने श्लोकों को अपने श्लोकों से निवृत्त कर दूंगी। श्लोक शब्द का अर्थ है संसार से ऊपर से नीचे जो है शोक व्याप्त है सारे के सारे लोगों का जो शोक भरता है ना वही श्लोक है। इसमें भगवान का एक नाम दे दिया उत्तम श्लोक गुणान हुआ।